हेलो 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 एवरीवन उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो यू आर डूइंग गुड मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत सारा प्यार बहुत सारे बच्चे क्लासेस करने के बाद में भी जब भी कोई वीडियो आता है तो उसको देखते हैं थैंक्स फॉर सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड तो गाइज आज हम लोग शुरू करने वाले बहुत ही प्यारा सा कोर्स सी ए इंटर ऑडिट का एग्जाम ओरिएंटेड बैच न्यू कोर्स के हिसाब से मे 24 फोर नवंबर ट्वेंटी फोर आने वाले जो एग्जाम्स है उनके लिए बिल्कुल जो नया कोर्स है उसके हिसाब से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं एक एक करके मैं आता हूं सबसे पहले बैच डिटेल्स में आपको प, बता दू बैच में अराउंड ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स होंगे हर रोज घंटे के आसपास लेक्चर होंगे तो आप देखिए 75 का इसलिए कवर होंगे क्योंकि हम आपको जो किताब दे रहे हैं वो आपको रेगुलर कॉन्सेप्ट बुक दे रहे आपको रेगुलर कॉन्सेप्ट बुक मिल रहा है आपको रेगुलर क्वेश्चन बैंक मिल रहा है आपको रेगुलर एमसीक्यू बुक मिल रहा है ओके क्योंकि ये सब रेगुलर चीजें हैं वही से हम सब कुछ कवर करने वाले हैं तो बट ऑब्वियस है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होंगे सर अगर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे तो फिर इसमें और रेगुलर में क्या फर्क है देखिए रेगुलर क्लास के अंदर हम लोग बहुत डीप में जाकर थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस लेते हैं फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं उसको लिखवाते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं लेकिन अगर मैं इस बैच की बात करूंगा इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच डेफिनेटली यहां पे हल्का सा बैकग्राउंड होगा कॉन्सेप्ट को बहुत प्यारी तरीके से बताया जाएगा आपको समझ में आए इस तरीके से बताया जाएगा जड़ से बताया जाएगा एकदम जो बेस लेवल है बेस लेवल से हम न, हम लोग इसको बताएंगे डेफिनेटली इसके अंदर हम रिविजन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे रिपीटेशन हम लोग नहीं करेंगे और आप लोगों को ठीक है कुछ जगहों पे आपको पॉज करके लिखना होगा खुद होके खुद होके आप लोगों को लिखना होगा क्योंकि अगर हमको इतने कम समय में ऑडिट का इतना वॉल्यूमलेस कोर्स अगर कवर करना है तो हमको कुछ इस तरीके की चीजें यूज करनी पड़ेगी जिसमें हम लोग कम समय में कम समय में हम लोग ज्यादा कवरेज करें बेहतर हम लोग कवरेज करें ओके गाइस अब तो बैच में बैच की खास बात कह रहेगी देखिए ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो बच्चों के दिमाग में होता है मार्क्स क्यों नहीं मिलते ठीक है बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते और बच्चे घबरा जाते हैं घबरा जाते हैं बच्चे और फिर एज इट इज लैंग्वेज को रटने जाते सर इवैल्यूएट वर्ड यूज करूं क्या सर यही पर्टिकुलर वर्ड यूज करूं क्या और रटने के लिए जाते हैं। और इतना गंदा फंसते हैं गंदा फंसते है, लैंग्वेज रटने की जो कोशिश करते हैं बच्चे लैंग्वेज एक तो रटने में बहुत बहुत समय लगता है जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आता है और आदमी परेशान हो जाता है इतना परेशान हो जाता है रोने पे आ जाता है क्योंकि एक दो दिन में भूल जाता है फिर एग्जाम में जाके आधा अधूरा लिखता है कुछ और ही मतलब निकल कर आता है एंड ही सफर्स lot, ठीक है अगर आप चाहते हैं कि ऑडिट में जबरदस्त स्कोर करें विदाउट एनी डाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है ये कॉन्सेप्ट क्यों है ये कॉन्सेप्ट कैसे आया ये कॉन्सेप्ट concept? ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर इस कॉन्सेप्ट में मुझे वो कौन सी तीन बातें हैं कौन सी चार बातें कौन सी पांच बातें जिसमें मुझे हिट करना है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है मेमोराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेमोराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता लेकिन थेरी सब्जेक्ट में और खास करके ऑडिट ऑडिट सब्जेक्ट में मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं 10 से ज्यादा अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स अलग अलग अप्रोचे यूज करूंगा ताकि ये चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाए ओके okay? तो मेमोरी टेक्निक्स को यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ना मेमोरी टेक्निक्स आप अच्छे से यूज करिए अलग अलग तरीके से तो आप बहुत फास्ट चीजों को याद रखते हैं और मैं आपको बता दू ऑडिट बाकी थे अलग है इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑडिट रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट लॉ से बहुत अलग है डी से बहुत अलग है आई से बहुत अलग है कुछ हद तक एस से भी बहुत अलग है इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एकदम भर भर के बहुत सारे फैक्टर्स और पॉइंट्स आ जाएंगे तो मेमोराइजेशन यहां पे एक चैलेंज होता है इसलिए हमारी जो बहुत ही स्वीट मेमोरी टेक्निक्स है वो मैं आपको बताऊंगा तो पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी फिर मेमोराइजेशन होगा और मैं आपको बता दू हम कितना भी प्यारी तरीके से पढ़ ले कितना भी कितना भी प्यारी तरीके से पढ़ ले ठीक है क्या होता है कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। कुछ समय बाद भूल जाते हैं। और ये भूलना ये ह्यूमन बिहेवियर है इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आपको हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन दूंगा यस yes. हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन तो इससे क्या होगा अगर हमारे 25 लेक्चर्स होंगे तो आपके पास में 25 ऑडियो रिविजन होंगे 25 फाइव ऑडियो रिविजन ये बहुत काम आने वाले हैं मेरी बात समझिए अगर आप रोज के रोज दो ऑडियो रिवीजन या तीन ऑडियो रिवीजन सुनेंगे तो क्या होगा मेरे साथ में क्लास में आपका एक दो बार हो जाएगा क्लास के बाद में आप दो बार ऑडियो रिवीजन सुनोगे तो दो बार और रिवाइज हो जाएगा मतलब क्लास क्लास के साथ में आपका चार बार रिवाइज हो जाएगा तो कॉन्सेप्टी भी मैं आपको बताऊंगा मेमोराइजेशन भी मैं बताऊंगा और ऑडियोस की मदद से आप बार बार चीजों को करते रहेंगे और मैं बता रहा हूं जब भी आप भूलेंगे ये ऑडियोज आपकी जबरदस्त मदद करेंगे कॉन्सेप्ट्स को बहुत फास्ट रिकॉल करने के लिए आप बहुत फास्ट चीजों को रिकॉल कर पाएंगे बहुत प्यारी तरीके से रिकॉल कर पाएंगे और फिर चौथे नंबर पे आता है बच्चों लैंग्वेज जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप लैंग्वेज को पकड़ने लगोगे बहुत प्यारी तरीके से पकड़ने लगोगे जबरदस्त पकड़ने लगोगे उस पर चौके छक्के आप मारने लगोगे लेकिन अगर आप सिर्फ लैंग्वेज को रटने जाओगे ठीक है? तो ये आपका प्लान रहेगा पूरा फुल पैकेज पूरा फुल पैकेज एक तोड़ आपको सोल्यूशन मिलेगा इसके अंदर जिससे आप आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर सके ठीक है नाउ गाइज ये बैच कैसे चलेगी वो मैंने आपको बताया अब बच्चों के मन में आता है कि ये बैच किस किस के लिए सूटेबल है तो जो बच्चों के पेपर अगर अच्छे नहीं गए हैं उनके लिए सुटेबल है रिजल्ट निगेटिव आया है उनके लिए सुटेबल है जो बच्चे ऑडिट का क्लास कर चुके हैं लेकिन अब फास्ट वापस चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए सुटेबल है ठीक है जो बच्चे एग्जाम के नजदीक आ गए सर बोध रूप तो देना है अब ऑडिट ही एक सब्जेक्ट है जो लटका पड़ा है कम समय में इसको करना है तो उनके लिए भी ये सुटेबल है करेक्ट सर हमने पहली बारी आई कैन सी द कमेंट्स हमने पहली अभी तक ऑडिट नहीं पड़ा क्या हम समझ पाएंगे मैं आपको बता दूं जो बच्चे जो ग्रा, बच्चे ग्रास्पिंग में अच्छे हैं थेरी में अच्छे हैं ठीक है थीके? वो बच्चे कैचअप कर लेंगे इसके अंदर कैचअप कर सकते हैं जुड़ जाएंगे ठीक है जुड़ सकते हैं बढ़ सकते हैं आगे लेकिन थोड़ा आपका थेरी में अच्छा होना जरूरी है थोड़ा आपका ग्रास्पिंग अच्छा होना जरूरी है और साथ में आपका लिखने वाला जो एरिया थोड़ा सा बेहतर होना जरूरी है कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है देखो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है हिंदी इंग्लिश मिक्स में होता है और आप जो लिखते भी हो एग्जाम में वो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही लिखते हो इतने समय से मैं देखते आ रहा हूं तो दोनों के लिए सूटेबल है तो ये बैच कैसे होगी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी और अब कुछ बच्चे मेरे बारे में भी जानना चाहते होंगे तो गाईज मैं हूं सी रवि टावरी और मेरे बारे में अच्छी बातें तो आई हैव बीन अ रैंक होल्डर मैं फाउंडेशन एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूँ इंटर एग्जाम में मैं रैंक होल्डर रह चुका हूँ फिर मैंने प्राइज वाटर स्कूपर्स बिग फोर उनके साथ में मैंने आर्टिकलशिप की और फिर मैंने सी ए फाइनल को क्लियर किया कई पंद्रह साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यस फिफ्टीन ईयर्स मैंने पूरे इंडिया भर में रिविजन क्लासेस ली है डेली हो कोलकाता हो इट इज इंदौर लखनऊ मुंबई पुणे नागपुर हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई और दुबई ये सब जगह पे क्लासेस ली है पंद्रह साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो मैं जानता हूँ बच्चों को कहाँ दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग में कहाँ दिक्कत है रिटेंशन में कहाँ दिक्कत है लिखने में तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चों कंफर्टेबल करवाते हैं कि भाई आप ऑडिट के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करें बच्चों ने जबरदस्त स्कोर किया है स्टूडेंट सेकंड रैंक होल्डर रह चुके हैं सेवन्थ रैंक होल्डर रह चुके हैं नाइन्थ रैंक होल्डर रह चुके हैं ठीक है बहुत ढेर सारे रैंक आ चुके हैं बच्चों ने मतलब अभी तक के हाईएस्ट ठीक है हाईएस्ट जो बच्चों ने स्कोर किया हुआ है नाइन्टी टू स्कोर किया हुआ है ठीक है नाइन्टी टू स्कोर किया है एटी सेवन स्कोर किया हुआ है एटी थ्री स्कोर किया है एट्टी वन स्कोर किया है एंड सोन तो जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना परफॉर्मेंस निकाला है देखिए ऑडिट सब्जेक्ट अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो ये सब्जेक्ट से आपको प्यार हो सकता है ये सब्जेक्ट में आपको मजा आ सकता है ये सब्जेक्ट आप खुल के जी सकते हो और बहुत प्यारा आप स्कोर कर सकते हो ठीक है तो बैच के बारे में मैंने आपको बताया मेरे बारे में मैंने आपको बताया अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर खास करके वेरी इंपॉर्टेंट ये बैच उन लोगों के लिए खास करके बहुत सुटेबल है बहुत अच्छा है जो अभी ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स की तरफ जा रहे हैं गोइंग फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स मैं आपको बता दू कि ऑडिट के कोर्स में ऑडिट के कोर्स में अराउंड ट्वेंटी परसेंट चेंज है एट्टी परसेंट कोर्स ट्वेंटी परसेंट चेंज है लेकिन शफलिंग बहुत हुई है जो आपके चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है इधर से उधर बहुत ज्यादा हुआ है और बीच में बीच में नए कॉन्सेप्ट्स भी डाले गए हैं नए कॉन्सेप्ट्स भी डाले हैं इस वजह से अगर कोई मुझे पूछे कि सर एक अमेंडमेंट की लिस्ट दे दो ना इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा कि अमेंडमेंट की लिस्ट बनाई जाए क्योंकि बीच में 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 बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं तो अमेंडमेंट की लिस्ट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है तो उन बच्चों को खास करके मैं समझता हूं कि बहुत बार ऑडिट के ऊपर इतना कमांड नहीं होता इतना बेहतर कमांड नहीं होता तो ये बैच के साथ साथ में आपके पूरे चेंजेस भी कवर हो जाएंगे आपके अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगे आप सब्जेक्ट को ब्रशअप भी कर लेंगे और सब्जेक्ट को सुपर स्ट्रांग भी कर लेंगे सारी चीजें हैं, हैंड इन हैंड चली जाती है ठीक है अब आपके ऑडिट सब्जेक्ट में ग्यारह चैप्टर्स हैं एलेवन चैप्टर्स ठीक है और ये 11 चैप्टर्स के अंदर ठीक लग है लगभग आठ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी की पूरी तरीके से पूरी तरीके से यस yes गाइस 11 में से आठ ऑन ऑडिटिंग पूरी तरीके से एस एस के ऊपर बेस्ड है हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर नटखट सा चैप्टर लवली सा चैप्टर कंपनी ऑडिट अब हमारे इस दुनिया में नहीं रहा वो सिर्फ अब लॉ का पोर्शन बन चुका है कंपनी ऑडिट जो हमारा सहारा हुआ करता था हमारा प्यार हुआ करता था भर भर के उसके मार्क्स मिला करते थे नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स लेकिन चिंता की बात नहीं है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बहुत मजा आने वाला है और ट्रूली एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ तो आपके आठ चैप्टर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड है और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इतने सालों में, में मेरी एक्सपर्टीज रही है मेरी स्पेशलिटी रही है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फिर वो सी फाइनल लेवल हो या सी इंटर लेवल हो गाइज मैं सिर्फ ऑडिट पढ़ाता हूं दिन रात मेरा सिर्फ ऑडिट के ऊपर फोकस होता है फाइनल लेवल पे और इंटर लेवल पे आई डोंट डीज एनी अदर सब्जेक्ट और फाउंडेशन uh, में भी नहीं पढ़ाता तो पूरी मेरी एनर्जी जो है पूरी एनर्जी इसी के ऊपर होती है ठीक है मैं आपको कि आपको बता दूं कि हमारे नोट्स में खास बात क्या होती है हमारे नोट्स के अंदर खास बात क्या होती है ये मैं आपको बता दूं ठीक है देखिए भास्कर नोट्स इनका नाम होता है इसमें खास बात क्या है देखिए हर कॉन्सेप्ट में हर कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने पूरे ऑडिट के कोर्स को पूरे ऑडिट के कोर्स को कॉन्सेप्ट्स के अंदर बांटा हुआ है इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स देखिए पूरा का पूरा हर कॉन्सेप्ट का नंबर रहेगा ये कॉन्सेप्ट नंबर बड़े काम आते हैं बहुत ज्यादा काम आते हैं आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो कल जाके हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लिस्ट इशू करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर बहुत काम आएंगे तो आप ऐसा मान के चल लो लगभग साढ़े चार सौ कॉन्सेप्ट में हमने पूरे ऑडिट को डिवाइड करके रखा हुआ है ठीक है इतना गहरा इतना टू द पॉइंट हम लोग जाते हैं फिर हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर yes हर के बाजू में आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा। तो exactly कौन से पे कैसा क्वेश्चन होगा कैसा एमसीक्यू होगा वो आप एसोसिएट कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? हर कॉन्सेप्ट के लिए चार्ट होगा मैं आपको बता दू ये चार्ट कोई शॉर्टकट चार्ट नहीं है बहुत डिटेल्ड में चार्ट है बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मतलब इतना डिटेल्ड में ये चार्ट है कि चार्ट के अंदर की बातें अगर आप याद रख लो और इसको लिख लो इट इज मोर देन सफिशियंट ये मोर देन सफिशियंट है इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो पूरा चार्ट रहेगा चार्ट के अंदर इट्स फुल ऑफ मेमोरी टेक्निक्स बहुत सारी अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स इसी के साथ रहेगी फिर इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है Institute का जो मॉड्यूल है उसकी जो लैंग्वेज है एज इट इज उसके नीचे प्रिंट की होती है और वहां पे जो की वर्ड है, है उसको हाईलाइट किया जाता है ऐसा ईच एंड एवरी लगभग सभी कॉन्सेप्ट में यह है मतलब आपको जो किताब मिल रही है वो रिविजन के लिए भी सॉलिड है और फर्स्ट रीड के लिए भी सॉलिड है आपका फोकस चार्ट्स पे रहता है उसी से आप समझते हो याद रखते हो और जब जब आपको और पढ़ने की इच्छा है वहीं पे आपको टेक्निकल चीजें मिल जाएगी आपको परम क्वेश्चन बैंक मिलेगी परम क्वेश्चन बैंक के अंदर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आर के एम के सारे क्वेश्चन बड़ी प्यारी तरीके से अरेंज करके क्लासीफाई करके अच्छा एनालिसिस करके वो भी आपको मिलेगा अभी जो किताबें आपको पहुंच रही है वो भास्कर जो भास्कर बुक है वो भास्कर बुक ही पहुंच रही है कुछ दिनों में हम आप लोगों को परम क्वेश्चन बैंक भी भेज देंगे जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं उनको हो सकता है कि परम क्वेश्चन बैंक भी साथ में मिल जाए ठीक है और एमसीक्यू बुक ठीक है वो भी आपको मिलेगा मोस्ट प्रॉबली उसका पीडीएफ आपको मिलेगा पीडीएफ से आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं अगर आप उसको प्रिंट निकालना चाहते तो ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंट निकालकर प्रिंट करके भी बहुत सारे बच्चों को सॉफ्ट कॉपी अच्छी लगती है तो उससे चलिए कुछ बच्चों को ठीक है कुछ बच्चों को थीके? हार्ड कॉपी चाहिए होती है तो हार्ड कॉपी प्रिंट करके वैसा आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो गई किताबों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया अभी जो मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? जो मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं वो उनके लिए मैं नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं अभी कमेंट में वो शेयर कर दे रहा हूँ और उसको उस लिंक को मैं पिन भी कर दे रहा हूँ ठीक है क्लास होने के बाद में कमेंट में वापस मैं उसको पेस्ट करके उसको आपको बता दूंगा बेटा ये क्लास पहले कुछ लेक्चर्स कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे रहेंगे और उसके बाद में ठीक है ये क्लास डेफिनेटली इट इज अ फुल क्लास पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फुल क्लास है तो हमारे लिए बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि ये हम पूरा का पूरा क्लास ठीक है फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करें हाँ Uh, हमारे इसके बाद में जो मैराथन क्लासेस आते जो फास्ट रिवीजन आएंगे चैप्टर वाइज, जो हमारे मैराथन आते हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब पे होते हैं हमारा बहुत ही फेमस सीरीज है रैपिड रिवीजन सीरीज वो रैपिड रिवीजन सीरीज भी आप लोग वो रैपिड रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब के ऊपर रहेगा लेकिन कुछ ही uh, समय कुछ ही लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे रहेंगे अभी एडमिन टीम ने उसके ऊपर ऑफर्स रन किए हुए हैं आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पे जा सकते हैं वहां पे ऑडिट कोर्स पे रवि सर के ऑडिट कोर्स आप ऑडिट कोर्स पे जाएंगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा ठीक है अभी मैं आपको मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं जिससे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी ठीक है और जो लिंक ये टेलीग्राम की लिंक है टेलीग्राम की लिंक है तो आप टेलीग्राम मैंने बेटा लिंक शेयर की है आप ये लिंक को आपके मोबाइल के थ्रू ओपन करेंगे अगर टेलीग्राम ऐप है आपके पास तो बराबर टेलीग्राम में वो खुल जाएगा और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है और ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए इस पर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक ओपन करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड का और वो एग्जाम ओरिएंटेड के टॉपिक के अंदर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें जितने भी मैसेजेस जितनी भी, भी चीजें होंगी सब एक जगह पे आपको मिल जाएगा ठीक है आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स गाइज खूब मस्त होके पढ़िए भरपूर क्लास को एंजॉय करिए रिलैक्स होकर चलिए पूरा कोर्स प्यारी तरीके से आपको करवा दूंगा आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा आपको रिवीजन करने के लिए मैं ऑडियो दे दूंगा ठीक है तो आपको कोई भी किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है ठीक है ओके गाइस आइए अगर मैं चलिए, यस, yes. निहाल, चार्टर्ड लाइफ सी दीपेश, सताक्षी प्रोस्टर वीरेंद्र सब लोगों को नमस्कार भाई यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन यस 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 देखिए मैं बार बार मैसेजेस uh, जब भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है हमको टू द पॉइंट और uh, सही दिशा में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है और ठीक uh, है साथ में जो मैं लिखता हूँ जो मैं लिखता हूँ वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आई एल बी प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो क्लास में आप जितना अलर्ट रहे स्क्रिबल करते रहे नोट्स के ऊपर मार्किंग करते रहे छोटी मोटी चीजें खुद लिखते रहे मतलब आपको जो नोट्स बनाने हैं वो स्क्रिबल नोट स्क्रिबल नोट्स मतलब लिखते रहिए जो जो दिख रहा है स्क्रीन जो मैं बोलूँ वो लिखते रहिए जो स्क्रीन पे आ रहा है वो लिखते रहिए करेक्ट और पूरा पेज नंबर डाल के रखिए मतलब स्क्रिबलिंग करते रहिए जितना स्क्रिबल करेंगे ना आप उतना अलर्ट रहेंगे उतना मेरे साथ में इन्वॉल्व रहेंगे उसकी चिंता मत करिए नोट जैसे भी एक खिचड़ी बनने दीजिए बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए उसमें से जो काम के चार्ट्स रहेंगे हमारे रेगुलर बुक में हम उसका रेफरेंस दे देंगे देखिए रेगुलर हमारे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर सब कुछ है इट इज कवरिंग एवरी डैम थिंग सब कुछ है उसके अंदर लेकिन ठीक है लेकिन लेकिन, लेकिन कुछ चार्ट्स होते हैं जो मैं और प्यारे बनाता हूँ क्लास के साथ साथ और बहुत अच्छे बनाता हूं जबरदस्त बना देता हूं तो आपने करना है कि यार ये चार्ट में मैं सर ने बोला बहुत मजा आया तो उसका रेफरेंस दे दिया तो आप ऐसा समझो कि बुक में जगह जगह के आप पे आपकी एक बुक रहेगी वहां पे आप रेफरेंस देते रहोगे यू विल बी गिविंग रेफरेंस कि भाई अच्छा ये बहुत अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लगा एंड सो ऑन ठीक है चलिए तो बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं ऑडिट मतलब क्या वॉट डू मीन बाय ऑडिट दो वर्ड में अगर मुझे समझाना है ठीक है ऑडिट मतलब क्या दो वर्ड में क्या बात कर रहे हैं सर फिर इतने पूरे लेक्चर्स की क्या जरूरत है दो वर्ड में अगर मुझे ऑडिट को समझाना है बहुत आसान शब्दों में चेक करना और रिपोर्ट गाइस चेक करना और रिपोर्ट देना तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट कर लो होटल में बहुत बार जब बिल आता है तो बोलते हैं यार ऑडिट कर ले बस चेक कर दे और बता दे कि भाई ये बिल बराबर है कि नहीं सारे डिश बराबर है कि नहीं कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया है ठीक है वो देख ले हर जगह पे आप बहुत बारे लोग वर्ड बोलते हैं ऑडिट कर ले तो सिंपल है चेक करके रिपोर्ट देना उसको हम ऑडिट बोलते हैं अब मन में सवाल उठता है कि सर ये कॉन्सेप्ट देखिए जो स्क्रिबल मैंने करके रखा हुआ है स्क्रिबल करके रखा हुआ है आप चाहो तो मेरे साथ जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप लिख लो या फिर पॉज करके आप लिख सकते हो नहीं तो बहुत बेसिक्स है आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है जब मैं बोलूं बस वो चीजें आप आप अगर लेकर चलोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए यह हमारी कंपनी है आ, क्या है कंपनी है एंटिटी है जो बिजनेस चला रही है एंटिटी आ, बिजनेस करने कई अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं प्रोपराइटर हो सकता है पार्टनरशिप हो सकता है आ, इट कैन बी इट कैन बी रन बाय इट कैन बी रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी इट कैन बी रन बास्ट इट कैन भी रन बाय कंपनी इट कैन बी अ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एंड सोन अलग अलग एंटिटीज हो सकती है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कंपनी लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे पॉपुलर बिजनेस मॉडल है जो सबसे पॉपुलर बिजनेस फॉर्म है वो कंपनी है तो कंपनी कंपनी को जो लोग चलाते हैं कंपनी को जो लोग चलाते हैं उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं सारे डिसीजनस लेते हैं वो मैनेजमेंट है कंपनी के पूरे बिजनेस ऑपरेशंस का नॉलेज इनको होता है इनके पास नॉलेज है यही लोग अच्छे नॉलेजेबल लोगों को बिठाकर अकाउंटिंग करवाते यही सारे डिस डिसीजन्स ले रहे हैं यही सारे बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे यही अकाउंटिंग भी करवा रहे हैं और क्योंकि यही लोग अकाउंटिंग करते हैं तो यही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं तो कंपनी है और कंपनी को चलाने का कंपनी को चलाने का पूरा काम कौन कर रहा है मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का पूरा काम कौन कर रहा है मैनेजमेंट तो कंपनी अपनी खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद बना दे रही है कंपनी कंपनी अपनी खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंपनी अपनी खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद ही बनाई जा रही है <laughs> मतलब आ, आ, ऐसा है कि इसका मतलब खुद का सीए का पेपर खुद का सीए का पेपर ठीक है खुद ओके जस्ट मिनट गाइस जस्ट मिनट एक मिनट जस्ट मिनट गाइस एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया है कोई बात नहीं इट विल बी रिजॉल्व चिंता ना करे मेरे साथ में बने रहे ओके सो वी आर बैक तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही बना है मतलब खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद ही बना रही खुद ही बना रहे कि भाई आ, ये हमारे इतना हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया इतना हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया ठीक है इतने हमारे एसेट्स है इतनी हमारी वेल्थ है एंड सोन so वो तो ऐसा हो गया कि भाई बच्चे अपना पेपर खुद चेक कर रहे और अपना रिजल्ट खुद बना रहे बताओ कोई फेल होगा क्या कोई फेल होगा क्या सब बोलेंगे भाई मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि मैं एक दिन ठीक है मैं मैं एक दिन मैं एक दिन दिन सीए सीए करेक्ट पॉइंट अगर खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद बनाएंगे अगर खुद की परफॉर्मेंस अगर खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम खुद बनाएंगे तो सब लोग बहुत अच्छा ही लिखेंगे बहुत ज्यादा चांसेस है मैनिपुलेशन के और ये प्रॉब्लम पूरे इकोनॉमी में है दिस प्रॉब्लम इज विद द होल इकोनॉमी सब लोग खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बना रहे हैं खुद की तारीफें खुद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मैनिपुलेटेड होंगे उसमें झूठी इनकम्स हो सकती है झूठे एसेट्स हो सकते हैं बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए हमको चाहिए एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति इसीलिए हमको चाहिए एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान एक निष्पक्ष व्यक्ति चाहिए एक न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कोई टेक्निकल वर्ड्स में अभी यूज नहीं कर रहा हूं आऊंगा टेक्निकल वर्ड्स पे हमको एक बंदा चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे होनहार बुद्धिमान शक्तिमान जो नॉलेजेबल हो जिसको इनडेप्थ नॉलेज हो जो ट्रस्ट वर्दी हो जिसके ऊपर हम भरोसा दिखा सके इकोनॉमी भरोसा दिखा सके गवर्नमेंट भरोसा दिखा सके सोसाइटी भरोसा दिखा सके ऐसे लोग हमको चाहिए ठीक है वो आकर चेक करेंगे और रिपोर्ट देंगे वो ऑडिट करेंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति बाहर से आते हैं बाहर से आते हैं ये कंपनी के ऑफिसर्स नहीं होते कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते बाहर से आते हैं ये लोग क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं ऑडिट करते हैं इस ऑडिट को इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोला जाता है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोला जाता है और इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर तो ध्यान बहुत सिंपल है एक्सटर्नल ऑडिट क्यों बोला जाता है क्योंकि बंदा बाहर से आ रहा है कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए तो उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं करेक्ट तो अब हमको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ यार ये ऑडिट क्या होता है और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है अब यहां पे अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिट की बात करूं तो आप लोगों के मन में आएगा सर फिर ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है सर वॉट डू मीन बाई इंटरनल ऑडिट ठीक है ये क्या काम करता है बच्चों के मन में बहुत सारे विचार होते और इंटरनल ऑडिट ना बच्चे फिर ऐसा बोलते हैं कि पहले इंटरनल ऑडिट चेक कर लेता है उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट चेक करता है तो उसको हम लोग ना इंटरनल ऑडिट बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है क्या कि पहले इंटरनल ऑडिटर चेक करता है सर जो अंदर से आता है ना वो इंटरलॉटर होता है जो अंदर से आया जो अंदर से आया वो इंटरन अच्छा जो बाहर से आया वो एक्सटर्नल बोले जो अंदर से आया वो इंटरलॉटर ठीक है तो ऐसा नहीं है चलिए मैं आपको बात बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सुनिए कोई भी बिजनेस एंटिटी कोई भी बिजनेस एंटिटी बट बहुत छोटी होती है ना सपोज एक में छोटा सा किराना शॉप है या जनरल स्टोर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ किराना शॉप है जनरल स्टोर है उसकी बात कर रहा हूँ तो जो ओनर होता है ना वो गले पे बैठा रहता है ठीक है ओनर ही बहुत ही छोटी शॉप की बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटी ओनर वही शटर खोलता है इमेजिन करिए वही शटर खोलता है वही गले पर जाकर बैठ जाता है ठीक है अब कोई कोई सामान आया कोई सामान आया जनरल स्टोर का सामान आया तो वही देखता है कितना सामान आया कितनी क्वांटिटी आई क्या आया वो पैसे देता है वही चीजों को जमा लेता है फिर जब कस्टमर आते हैं तो वही उनको पैसे लेकर के सामान दे देता है तो परचेज भी खुद कर लेता है स्टोर भी खुद कर लेता है और सेल भी खुद कर लेता है आखिरी में रोज का कलेक्शन कितना हुआ वो भी खुद देख लेता है करेक्ट सारी बातें खुद ही कर लेता है कंप्लीट थिंग सारी सारी की सारी चीजें वो खुद कर लेता है और सब बढ़िया मजे से चल रहा होता है ऐसे होता है तो ओनर के देखरेख में सब कुछ चलता है जैसे जैसे कोई भी बिजनेस बड़ा होते जाता है ना अब अगर ये एक आप सोचिए अगर अब ये एक सुपर शॉपी बन जाए एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट बन जाए अगर सुपर मार्केट बन जाए हाइपर मार्केट बन जाए बीस हजार स्क्वायर फीट में बीस हजार स्क्वायर फीट में ये पूरा का पूरा सुपरमार्केट आपका फैला हुआ है पूरा का पूरा ठीक है अब भाई अब आपको परचेस के लिए अलग बंदे लगेंगे बहुत सारे हंड्रेड ऑफ आइटम्स है थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स है इसका ख्याल रखना पड़ता है परचेस करना पड़ता है परचेस के बंदे अलग है माल आता है तो उसको स्टोर करने वाले बंदे अलग है सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग है दस तो काउंटर है जी दस तो काउंटर है देर आर टेन काउंटर्स दस काउंटर्स है बिलिंग के बंदे अलग है अरे भाई जैसे बिजनेस बड़े लेवल पर जाता है ना तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग लगते हैं अब ओनर के नीचे पचास लोग काम कर रहे हैं और अब ये पचास लोग को समझाया जाता है परचेस के स्टेप्स क्या होंगे स्टोर करने के स्टेप्स क्या होंगे सेल के स्टेप क्या होंगे अकाउंटिंग के स्टेप क्या होंगे उनको स्टेप्स बताई जाती है दे आर टोल्ड स्टेप्स फॉर एग्जाम्पल ठीक है कि भाई परचेस में ना पहले परचेस रिक्विजिशन नोट बनेगा पी आर एन परचेस रिक्विजिशन नोट ठीक है पी आर एन बनने के बाद पी आर एन अप्रूव होगा पी आर एन अप्रूव हो जाएगा पी आर एन अप्रूव होने के बाद में भाई परचेस मैनेजर अप्रूव करेगा हाँ माल खरीदना चाहिए फिर कोटेशन आएंगे बेस्ट कोटेशन सिलेक्ट करके ना फिर परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद ना गुड्स आएंगे गुड्स आएंगे उतरेंगे आपका जीआरएन बनेगा जीआरएन बनेगा गुड्स आ गए फिर कुछ दिनों बाद परचेस इनवॉइस आएगा इनवॉइस के बेस में परचेस बुक में एंट्री होगी फिर वहां से पोस्टिंग होगी लेजर में और फिर क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद 30 दिनों के बाद में उसका पेमेंट हो जाएगा ये आपके स्टेप्स हैं जैसे ही बिजनेस बड़े होते बहुत सारे लोग लगते हैं और हर काम करने का एक तरीका होता है स्टेप्स होते हैं इसी को बोलते हैं सिस्टम हर काम करने का सिस्टम होता है ठीक है एलविश यादव के फैन होंगे यहां सिस्टम हिला देंगे ठीक है सिस्टम हिला देंगे तो भाई हर काम करने का एक सिस्टम होता है परचेज का सिस्टम स्टोर का सिस्टम सेल का सिस्टम अकाउंटिंग का सिस्टम हर चीज को करने का आपका अपना सिस्टम होता है ठीक है ये जो सिस्टम है इसी की मदद से जो ओनर्स होते हैं जो ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल करना मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं अपने हिसाब से चलाते हैं तो ओनर्स प्रोसीजर्स को बनाते हैं सिस्टम्स को बनाते हैं और उसकी मदद से अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये कंपनी के अंदर चल रहा है, के अंदर अंदर चल चल रहा रहा है है बिजनेस इसको बोलते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियां है ना दोस्तों दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, कंपनिया है ना वो टिकी हुई है वो टिकी हुई है अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से बड़ा प्यारा सा बहुत अच्छा सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसके वजह से ये कंपनियां टिकी हुई है ठीक है नाउ ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसमें थोड़ा भी लैकुना हो जाए ना अगर इसमें थोड़ा भी लैकुना हो जाए थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है लीकेज हो सकता है करोड़ों का नुकसान करोड़ों का लीकेज हो सकता है इसीलिए हमको एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान बंदा चाहिए कि कंपनी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है उसको चेक करने वाला बंदा चाहिए ठीक है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर कंपनी के अंदर जो बहुत ही प्यारा सिस्टम चल रहा है उसको एग्जामिन करने वाला उसको चेक करने वाला जो बंदा होता है ठीक है जो बंदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर आई होप आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी होगी कौन होता है एक्सटर्नल ऑडिटर और कौन होता है इंटरनल ऑडिटर इसको लेकर और आपके एकदम दिल में उतर गया होगा एप्सोलूट दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या होते हैं ये दो ऑडिट कॉन्सेप्चुअली अलग है एक का फोकस पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है और एक का फोकस पूरी तरीके से कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है ये जो ये जो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इसको फील करना बहुत जरूरी है और इंटरनल ऑडिटर बहुत काम की चीज करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है ठीक है और क्योंकि बिग फोर्स में मैंने ऑडिट किया हुआ है लिस्टेड कंपनी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन निकोलस पिरामल लिस्टेड कंपनी ठीक है जर्मन कंपनी लेंसेक्स और सफीलो इंडिया और ढेर सारे आइफा अवार्ड्स इन सब ऑडिट किया है तो मैंने बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और उसके इश्यूज उसके चैलेंजेस देखे मैं आपको बताऊँ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है अब क्योंकि हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्योंकि हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इतने प्यार से स्टडी करते एनालाइज करते तो ऑडिटर्स को पता होता है इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज़ तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कभी कभी कमी होती है प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल डेफिशंसीज तो मैं आपको बता रहा हूं इंटरनल ऑडिटर किस तरह की निकालते हैं अब कुछ मुझे पता है अगर ये आपको पता चल गए तो आप कंपनियों को लूट सकते हैं लूट ठीक है तो मैं आपको बताता हूं मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तरीका एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं जिसमें आप फ्री में ठीक है फ्री में आप मूवीज देख सकते हो जाओ जितनी मूवीज देखनी है, लेटेस्ट जितनी मूवीज देखनी हो उतनी सारी की सारी मतलब पहले क्लास में ना पहले क्लास में मैं ठीक है आपके पैसे वसूल करवा दे रहा हूं पूरे पैसे वसूल करा दे रहा हूं ओके गाइस एक बार बेस बन जाए हम लोगों का तो हम लोग फिर फटाफट फटाफट चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे ठीक है देखो अगर आप मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स अगर आपके मल्टीप्लेक्स अगर आपके ठीक है मल्टीप्लेक्स अगर आपने देखा है तो कैसा होता है मल्टीप्लेक्स में एंट्रेंस होता है आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एंट्रेंस यहां पे आपको एंट्रेंस नजर आ रहा है एंट्रेंस है फिर आपका ठीक है बाजू में स्क्रीन वन है स्क्रीन टू है राइट right साइड में स्क्रीन थ्री है स्क्रीन फोर है और इन सब के एग्जिट ना पार्किंग में खुलते हैं पार्किंग में खुलते हैं या फिर सीधा इनके जो एग्जिट होते हैं वो मॉल में खुलते हैं द तो मॉल मॉल में खुलते सीधा ठीक है तो और ये आपका मेन लॉबी होता है ये आपका मेन लॉबी होता है नाउ आपकी टिकट्स जो है वो एंट्रेंस पे चेक होती है आपकी टिकट जो है वो एंट्रेंस पे चेक होती है ठीक है इनका जो सिस्टम है एंट्रेंस पे टिकट चेक करते हैं खास करके आजकल क्यू कोड आता है क्यू कोड स्कैन करते हैं हाँ सही है अंदर चले जाते हैं वो भी चेक करने में इतने ही नहीं होते आप बोलो कि कोई और, किसी और के पास टिकट है कुछ है ऐसा है वैसा है ऐसा अगर आप बोल दो ठीक है तो अंदर भी छोड़ देते हैं ना एक काम करिए ठीक है आपके सपोज आपके आ, कैसे मैं बोलता हूं ठीक है अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं आप एक ही टिकट पे मल्टीपल मूवीज देख सकते मल्टीपल पांच छे क्या बात कर रहे सर ऐसा थोड़ी होता है तो एक लीजिए आप एक टिकट लीजिए स्कैन करवाइए एंट्रेंस पे जाइए और फिर आप जो आपका सपोज आपका स्क्रीन नंबर वन है मूवी देखने के लिए जाइए बड़े आराम से बड़े प्यार से मूवी देखिए ठीक है ठीके? फिर जब मूवी खत्म हो रही है ना खत्म होने के पांच दस मिनट पहले वापस मेन लॉबी में आ जाइए आ सकते हैं ना बहुत बार आ सकते हैं वॉशरूम जाना है ऐसा है वैसा है ये है वो है कम बैक टू मेन लॉबी और फिर वहां से आप निकलकर वहां से आप निकलकर सेकंड स्क्रीन में चले जाइए गो टू सेकंड स्क्रीन क्या बात करें हाँ टिकट आपकी एंट्रेंस पे चेक होती है जो आपकी स्क्रीन के दरवाजे है वहां पे टिकट चेक नहीं होती आपके पास एक ही टिकट थी आपने आपने एक स्क्रीन में देखा आप निकल कर आए आप दूसरी स्क्रीन में गए फिर आपने मूवी देखी मूवी शुरू हो जाने दीजिए जो खाली सीट है वो अपनी सीट है जो खाली सीट वो अपनी सीट है बड़ा आसान है फिर वहां से आप थर्ड नंबर में जाइए वहां भी मूवी देखिए वापस आइए फिर फोर्थ नंबर में जाइए वहां भी मूवी देखिए वापस आइए ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ओ माय गुडनेस आप एक टिकट के ऊपर मल्टीपल मूवीज देख सकते हैं, मल्टीपल दिन भर आप दिन भर मल्टीप्लेक्स में पड़े रह सकते हो यस yes! दिन भर आप मल्टीप्लेक्स में पड़े रह सकते हो क्योंकि वो लोग टिकट लॉबी के एंट्रेंस में चेक करते हैं स्क्रीन के एंट्रेंस में चेक नहीं करते हैं दे चेक थिंग्स ऑन स्क्रीन है ना मजेदार गाइस क्या बोल रहे हो मजेदार है कि नहीं है ठीक है नाउ इंटरनल ऑडिटर ऐसी डेफिशिएंसीज को ऐसे प्रॉब्लम्स को ढूंढ के निकाल के लाता है ठीक है तो इंटरलॉर्डर काम बहुत बहुत ही बढ़िया है बड़ा प्यारा काम है इंटरल ऑर्डर का इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज को ढूंढ के निकालना नहीं तो कंपनी का रेवेन्यू लीक हो सकता है रेवेन्यू कम हो सकता है खर्चे बढ़ सकते हैं कंपनी लॉसेस में आ सकती है इंटरल ऑर्डर बहुत बड़ा काम करता है बहुत प्यारा काम करता है ठीक है और अब आप सोच रहे होंगे कंपनियों को भी ये पता है कंपनियों को भी ये लूपोल पता है कभी बताते नहीं है ठीक है कंपनी वाले लोग क्या करेंगे अगर ये लोग स्क्रीन पे के सामने भी टिकट चेक करेंगे तो एक तो लोग इरिटेट हो जाएंगे क्या यार ये दो दो बार टिकट चेक कर रहे हैं हम क्या कुछ चुराने आए क्या हम क्या हम क्या हम क्या यार ये इतनी इत्त, क्या चेकिंग होती है यार इतना परेशान कर दिया कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा ऊपर से उनका जो स्टाफ का कॉस्ट है उनका स्टाफ का कॉस्ट बढ़ जाएगा डिवाइसेस ज्यादा लगेंगे उनका डिवाइसेस डिवाइसेस का कॉस्ट बढ़ जाएगा डिवाइस कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे तो कंपनी ने भी क्या देखा बेनिफिट एनालिसिस किया यार ऐसा लग रहा है बहुत खर्चा हो जाएगा लेट इट बी तो उन्होंने इस लूपोल को बंद नहीं किया है ठीक है ये तो मैंने बोला एक टिकट पे आप मल्टीपल मूवीज देख सकते अब मैं आपको बताता हूं बिना टिकट के मूवी ठीक है यहीं पे आप वही एक ही क्यूआर एक टिकट खरीदो वही क्यूआर कोड आपके पांच दोस्तों को भेजो पांचों के पांचों सेम क्यूआर कोड दिखाकर पांचों के पांचों सेम क्यूआर कोड दिखाकर अंदर जा सकते हैं अभी तक के मल्टीप्लेक्स में जो स्कैन करने का सिस्टम है वो काउंट नहीं करता कि ये टिकट कितने बार स्कैन हुई है बस टिकट एक बार देखकर अंदर 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 भाई साहब एक टिकट पे एक टिकट पे मल्टीपल मूवीज और एक ही टिकट पे मल्टीपल लोग अरे बाप रे सर आप तो लूट ही डालोगे नाउ गाइस हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि ये दो तरह के ऑडिट्स क्या होते हैं अब आइए हम सबसे बेसिक जो ऑडिट की बेहतरीन डेफिनेशन जो ऑडिट की बेहतरीन डेफिनेशन है बहुत प्यारी डेफिनेशन है उस पर आते उसके ऊपर आते हैं आइए नाउ लेट्स सी तो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है ना ये सीए इंस्टीट्यूट ने की यार सीए इंस्टीट्यूट अल्मा मैटर है हमारी मदर इंस्टीट्यूट है ठीक है नॉलेज की मूरत है वो नॉलेज बहता है वहां से हमारे लिए नाउ ऑडिट इज ऑडिट इज सिस्टमैटिक ये ऑडिट कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं होती है सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है ठीक well है इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी क्यों सिस्टमैटिक एक्टिविटी क्योंकि बहुत ही वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जैसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ऑडिट करने के लिए आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोसेस है कहां दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू डू ऑडिट इज गिवन इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत ही सिस्टमैटिक है सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एक निष्पक्ष व्यक्ति एक निष्पक्ष व्यक्ति एक न्यूट्रल व्यक्ति एक निष्पक्ष व्यक्ति एक न्यूट्रल व्यक्ति ठीक है इसका ऑडिट करता है यह बंदा कंपनी का डायरेक्टर नहीं ऑफिसर नहीं एम्प्लॉ नहीं शेयर होल्डर नहीं ठीक है बिजनेस रिलेशन नहीं ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति ठीक है ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट वाह क्या बात बोली आप क्या ही बात बोली आपने इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट ठीक है तो ऐसा बंदा जो कि नॉट डिपेंडेंट है जो पर्सनली ठीक है लीगली फाइनेंशियली पर्सनली प्रोफेशनली डिपेंडेंट नहीं है रिलेशनशिप नहीं है रिलेशनशिप नहीं है ठीक है कंपनी के साथ में ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट व्यक्ति ऑडिट करता है सो ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन है भाई साहब ये ऑडिट तो एक प्रकार की चेकिंग है एग्जामिनेशन हम हर चीज को सबूतों से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीएनएल में दिख रहा है कि रेंट पचास लाख है आपको बोला चेक करो रेंट सही में पचास लाख का है रेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए देखे है। ठीक है तो आप थोड़ा सोचोगे अच्छा प्रॉपर्टी रेंट ली होगी तो अगर रेंट सही है तो प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए जाओ देखते हो हाँ यार प्रॉपर्टी है वहां पे बिजनेस चल रहा है हाँ यार प्रॉपर्टी है वहां पे बिजनेस चल रहा है बिजनेस इज गोइंग ऑन ठीक है यार बहुत बढ़िया है फिर प्रॉपर्टी जब हमने प्रॉपर्टी आप थोड़ा सोचो ना प्रॉपर्टी देखने गए होंगे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए फिर अग्रीमेंट बनाया होगा तो अग्रीमेंट दिखना चाहिए अग्री अग्रीमेंट में साल का रेंट पचास लाख दिखना चाहिए दिख रहा है फिर अग्रीमेंट में डिपॉजिट के बारे में बोला होगा डिपॉजिट भी दिखना चाहिए भाई डिपॉजिट भी दिख रहा है मतलब अग्रीमेंट सही है फिर आपने पेमेंट किया है पेमेंट किया है तो उन्होंने आपको रिसीट दी होगी और रिसीट भी दिख रही है पचास लाख की बैंक में आपको एंट्री भी दिख रही है भाई सब सब दिख रहा है ठीक है अब आपने रेंट पे किया है तो टीडीएस भी काटा होगा वो भी दिख रहा है अरे भाई इतने सबूत मिल गए प्रॉपर्टी देख ली सबूत अग्रीमेंट है सबूत है ठीक है रिसीट दिए सामने वालों ने सबूत है बैंक से पैसे है, सबूत है टीडीएस सबूत है इतने सबूत मिल गए इट इज अ एग्जामिनेशन हर चीज क्या चेक करते बहुत ही तो सिंपल है यार इनकम एक्सपेंस एसेट लाइब्रिटी इनको चेक किया जाता है ठीक है इनको चेक किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है ये सबसे पहले बना फाइनेंशियल ऑडिट के लिए इनफैक्ट सी ए प्रोफेशन का जन्म ही इसलिए हुआ था सीए प्रोफेशन का जन्म ही इसलिए हुआ ठीक है कि भाई फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट हो सके अब आजकल कई प्रकार के ऑडिट है इंटरवेट तो मैंने आपको बता दिया आगे और हम देखेंगे टैक्स ऑडिट है टैक्स ऑडिट है आजकल एनर्जी ऑडिट है आजकल एनवायरमेंट ऑडिट है ठीक है भाई सब कई प्रकार के ऑडिट आ गए आजकल लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने तो फाइनेंशियल इसलिए एग्जामिनेशन किसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स ठीक है एक जस्ट मिट गाइज जस्ट अट एक मिनट मुझे आप दीजिए जस्ट मिट गाइज लेट मी डू अ वेरी सिंपल थिंग जस्ट जस्टिमेंट गाइस एक छोटा सी दिक्कत है उसको सॉल्व कर लेते हैं ओके okay. डन आई तो ऑडिट सिस्टमैटिक बहुत ही सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है बहुत ही सिस्टमैटिक ऑडिट क्या है एक सिस्टमैटिक बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ने बोला है सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल रिकॉर्ड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म भाई साहब सब का ऑडिट होता है प्रोप्राइटर हो लीगल फॉर्म या पार्टनरशिप हो लीगल फॉर्म या ट्रस्ट हो लीगल फॉर्म या कंपनी हो लीगल फॉर्म या कॉरपोरेशन हो लीगल फॉर्म सब का ऑडिट होता है इर ऑफ लीगल फॉर्म जहां जहां पैसा जहां जहां पैसा ठीक है जहां जहां पैसा वहां वहां जहां जहां पैसा वहां वहां पे अकाउंटिंग और जहां जहां पे अकाउंटिंग वहां वहां पे ऑडिटिंग ठीक है ऑफ लीगल फॉर्म वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड भाई कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जो प्रॉफिट कमाना चाहती है उसको बोलते प्रॉफिट ओरिएंटेड ठीक है मुकेश भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड अदानी जी प्रॉफिट ओरिएंटेड टाटा प्रॉफिट ओरिएंटेड विप्रो प्रॉफिट ओरिएंटेड भारतीय एयरटेल मित्तल प्रॉफिट ओरिएंटेड ये प्रॉफिट कमाने के लिए बने तो प्रॉफिट कमाना बुरी बात थोड़ी है जियो जी और जिन्हें दो खुद कमाओ सबको मौका दो सबको एम्प्लॉयमेंट दो अपॉर्चुनिटी दो बहुत बढ़िया बात है जी बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही अच्छी बात है वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड वालों का भी ऑडिट होता है और बहुत सारे एन जी ओज है आपके हेल्पेज इंडिया है बूढ़े लोगों को हेल्प करना चाहते हैं क्राय है बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं पेटा है एनिमल को हेल्प करना चाहते हैं तो ये जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है यहां पर भी पैसा है यहां पर भी अकाउंटिंग है उल्टा यहां पे तो गड़बड़ के चांसेस बहुत ज्यादा है वहां पे भी ऑडिट होता है मैंने वर्ड प्रॉफिट ओरिएंटेड बोला प्रॉफिट मेकिंग की लॉस मेकिंग नहीं बोला मैंने प्रॉफिट ओरिएंटेड या वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड ये मैंने बोला आपको ठीक है वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भाई साहब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट एम है गोल है क्या टू गिव ओपिनियन ठीक है हम ओपिनियन देते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देते हैं इसी का मतलब हम गारंटी नहीं देते देखिए मैं टेक्निकल आज अभी से मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जा रहा अभी बहुत एकदम सिंपल सिंपल चीजों में जा रहा हूं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स रीजनेबल अश्योरेंस एब्सोल्यूट अश्योरेंस इस सब पे हम लोग बाद में जाएंगे देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया खुल के अपने को पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए पॉइंट्स चाहिए टेक्निकल वर्ड्स अपने आप आएंगे रटने को जाओगे ना ठीक है तो जिंदगी झंड हो जाएगी और ये सब्जेक्ट आपको काटने को दौड़ेगा ठीक है और आप भागते जाओगे मेरे तरीके से पढ़ो मस्त रहेगा सब्जेक्ट प्यारा रहेगा सब्जेक्ट एकदम मजा आएगा सेक्सी रहेगा सब्जेक्ट याद रखने में मजा आएगा लिखने में मजा आएगा ठीक है नाउ तो अल्टीमेट है टू गिव ओपिनियन हम गारंटी नहीं दे सकते ऑडिट करने के लिए ना हमारे पास तो बहुत कम टाइम होता है ऑडिट करने के लिए हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है बड़ी मुश्किल से पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग की तीन सौ पैंसठ दिन चेकिंग करने के लिए हमारे पास में एक महीना स्टाफ भी लिमिटेड होता है मैनेजमेंट के पास में अकाउंटिंग करने के लिए पचास लोग थे हमारे पास में ऑडिट करने के लिए पांच लोग थे हमारे पास में टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास में टाइम लिमिटेड है हमारे पास में रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं ठीक है टाइम लिमिटेड है रिसोर्सेस लिमिटेड है हमारे पावर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं हमसे पूछताछ कर सकते हैं। पूछते हम लोग ये इनकम सही है ना इसके डॉक्यूमेंट बता दो ये बता दो वो बता दो हर जगह हम पूछते हैं हम छापा नहीं मार सकते रेड़ नहीं मार सकते हम थर्ड डिग्री नहीं दे सकते लिटा लिटा बर्फ पे लिटा बर्फ पे लिटा के लिटा के मार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ये सब नहीं कर सकते इसीलिए हम ओपिनियन देते हैं हाँ जो ओपिनियन देते हैं वो अच्छे कॉन्फिडेंस से देते हैं उसको रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं हाईल अश्योर करना अश्योरेंस ठीक है मतलब कॉन्फिडेंटली कोई बात को करना अश्योर करना मतलब किसी को कॉन्फिडेंटली कोई बात को करना रीजनेबल रीजनेबल अश्योरेंस होता है हम ओपिनियन देते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली देते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है 80 परसेंट से ज्यादा 80 पर एट्टी परसेंट अश्योरेंस से बोल रहे हैं एट्टी फाइव परसेंट अश्योरेंस से बोल रहे हैं 90 परसेंट अश्योरेंस से बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट से नहीं बोल सकते हंड्रेड परसेंट एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है क्योंकि ऑडिट प्रोसेस में अपनी दिक्कतें हैं अपने प्रॉब्लम है हम ओपिनियन देते हैं रीजनेबल अश्योरेंस है हम गारंटी नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते हम लोग गारंटी अरे भाई बनाने वाले तो वो लोग हैं हम तो सिर्फ चेक करने वाले हैं हमारे पास में टाइम लिमिटेड है रिसोर्सेस लिमिटेड है टाइम लिमिटेड है रिसोर्सेस लिमिटेड है और भाई हर जगह जजमेंट है करते हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते दस चेक करू कि बीस चेक करू जजमेंट है जजमेंट जजमेंट है करूं, है कितना चेक ये गलती मटेरियल गलती है कि नहीं मटेरियल वर्ड आप जानते होंगे मटेरियल वर्ड जो बड़ी गलती है ये मटेरियल है कि नहीं गलती जजमेंट है क्योंकि जजमेंट होता है इसलिए हम लोग ओपिनियन देते हैं कॉन्फिडेंटली ओपन देते हैं रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस देते हैं हम लोग गारंटी नहीं दे सकते साहब, वी कैन नॉट गिव गारंटी। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेट हम बताते हैं कि क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कागज के टुकड़े है ये ट्रू एंड फेयर है क्या ट्रू मतलब क्या ये सच्चे क्या सही में इतनी इनकम हुई है क्या सही में इतना एक्सपेंस हुआ है क्या सही में इतना एसेट हुआ है क्या सही में इतनी लाइब्रिटी है क्या नोट अकाउंट्स में इतनी बातें है क्या इज इट ट्रू एंड इज इट फेयर फेयर मतलब गोरा पर नहीं होता फेयर मतलब क्या इसको जो अकाउंटिंग करने का तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने का जो तरीका है प्रेजेंटेशन का जो तरीका है डिस्क्लोज करने का तरीका है वो सही है क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग दे रहा है क्या न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है क्या अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है क्या ये देखना बहुत जरूरी है ठीक है जैसे एग्जाम्पल ट्रू केस में इज इट रियल करेक्ट फिर फेयर मतलब क्या अनबायस्ड न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग है क्या देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको कंपनी में आपके जो फिक्स एसेट्स है वो सौ करोड़ के दो सौ करोड़ हो गए सौ करोड़ के दो सौ करोड़ हो गए आपको ऐसा लग रहा है कंपनी ने एक्सपैंशन किया।, किया, किया, किया है भाई कंपनी ने एक्सपैंशन किया है कंपनी ने एक्सपैंशन किया है कंपनी ने जोरदार एक्सपैंशन किया है भाई कंपनी ने एक्सपैंशन किया है कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है कंपनी का कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है भाई कंपनी का फ्यूचर ना एक नंबर है बहुत ही जोरदार है कंपनी का फ्यूचर अगली बार ना इनका सेल डबल हो जाएगा और प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा इनका ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं सौ करोड़ से दो सौ करोड़ हो गया नोट्स टू अकाउंट में कुछ लिखा नहीं इस बारे में रियलिटी में ऐसा है रिवैल्युएशन हुआ था नोट्स टू अकाउंट्स में रिवैल्युएशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रू है जो है वो ट्रू है जो है वो ट्रू है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो है उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर उसमें मजा नहीं है भाई उसमें मजा नहीं है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है लोगों को लग रहा है एक्सपेंशन है लोगों को लग रहा है एक्सपेंशन है लेकिन एक्सपेंशन नहीं है एक्सपानशन नहीं, नहीं है भाई रिवैलूशन रिवैल्युएशन है जानकारी ट्रू भी होनी चाहिए और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जिस तरीके से डिस्क्लोज किया जा रहा है नोट्स टू अकाउंट्स में वो फेयर भी होना चाहिए ठीक है रिवैल्युएशन का एग्जाम्पल दिया नो लिसन आप इसको देखिए और एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने गुड्स सेल किए एक लाख रुपए के बी लिमिटेड को ठीक है इस पे ध्यान दीजिए बाकी कुछ मत पढ़िए और छह महीने बाद वो खरीद ले रहा है वही गुड्स एक लाख पांच हजार में एक लाख में गुड्स बेचे है एक लाख पांच हजार में खरीद रहा है एक लाख में बेचे है और एक लाख पांच हजार में खरीद रहा है करेक्ट तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले सेल है फिर परचेस है तो एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा सेल परचेस की एंट्री होनी चाहिए लेकिन लॉजिक नहीं बैठता ना कौन गधा है कौन बेवकूफ है जो गुड्स मैंने बेचे थे वही गुड्स मैं वापस खरीद रहा हूं वो भी पांच हजार ज्यादा में खरीद रहा हूं ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई सही बात है सेल एंड परचेस ऑन पेपर दिख रहा है गुड्स गए भी होंगे गुड्स आए भी होंगे बिल्कुल ट्रू है बट यह सच्चाई नहीं है यह रियलिटी नहीं है सच्चाई में यह एक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, सच्चाई में इट इज अ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है सर कैसे जो एक लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं ना जो एक लाख रुपए के एक लाख रुपए के जो गुड्स बेचे हैं ना एक लाख वो लोन टेकन है एक लाख के गुड्स जब बेचे तो एक लाख रुपए झोली में आया और एज अ सिक्योरिटी गुड्स को दिया वो लोन टेकन है रे लोन रिसीव्ड है रे वो लोन टेकन है लोन टेकन है वो लोन रिसीव्ड है एक लाख रुपए का और जब छह महीने बाद हमने फिर से खरीदे एक लाख पांच हजार जो दिया है ना खरीदने में वो लोन प्लस इंटरेस्ट का रिपेमेंट है इट इज लोन रिपेड है रे बेटा इट इज लोन रिपेड इट इज लोन रिपेड अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ फाइव थाउजेंड दिखने के लिए तो आपको दिखने के लिए दिखने के लिए तो ये आपको दिखेगा सेल एंड परचेस ये ट्रू है इंफॉर्मेशन ये लेकिन डिस्क्लोजर फेयर नहीं है दैट इज नॉट सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इट इज लोन रिसीव एंड इट इज लोन रीपेड इट इज लोन रिसीव्ड एंड इट इज लोन रीपेड ये उसकी रियलिटी है इंफॉर्मेशन ट्रू भी होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन फेयर भी होना चाहिए करेक्ट तो बहुत जगह बहुत जगह कंपनी के लोग बेवकूफ बनाते हैं फेयर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं इंपॉर्टेंट चीज है कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनाते इंफॉर्मेशन ट्रू है इट्स नॉट फेयर ठीक है आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी मिल रही है आर गेटिंग फुल क्लैरिटी अबाउट इट ठीक है जैसे तो आपको देखना है कि इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं लोग कई प्रकार से बेवकूफ बनाते हैं देखो ब्लैक मनी जनरेशन का और एग्जाम्पल देता तो हूं मैं आपको लोग कैसे बेवकूफ बनाते आपको ऐसा दिखेगा कि कंपनी देखो कैसा है डिविडेंड पे करना बहुत पेनफुल चीज है इट्स अ वेरी पेनफुल एक्टिविटी पहले प्रॉफिट कमाना पड़ता है ठीक है उसकी पहले पहले प्रॉफिट कमाना पड़ता है उसपे इनकम टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स तीस टके से इनकम टैक्स दो फिर उसके बाद में डिविडेंड पे करना पड़ता है अभी तो टैक्स नहीं लगता लेकिन डिविडेंड पहले लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लग जाता था पहले तो आपने कमाया इनकम टैक्स लग गया डिविडेंड बांटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया भाई डिविडेंड देना बहुत ही पेनफुल एक्टिविटी है भयंकर पेनफुल एक्टिविटी है तो लोग क्या करते हैं लोग बेवकूफ बनाते नकली सप्लायर खड़े करते हैं नकली एम्प्लॉयज खड़े करते हैं ऐसा दिखाते है, उनसे माल खरीदा नकली सप्लायर से नकली एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हैं। और वो पैसा निकालते हैं और ओनर्स और शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में होता है आपस में बांट लेते हैं उन्होंने परचेज दिखाया क्योंकि उन्होंने सैलरी दिखाई क्योंकि उन्होंने परचेज दिखाया क्योंकि उन्होंने सैलरी दिखाई तो उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल गया दे गॉट इनकम टैक्स बेनिफिट उनका इनकम टैक्स बेनिफिट मिल गया उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी भरना नहीं पड़ा करेक्ट ये घुमाया है डिविडेंड को परचेस डिविडेंड नहीं बता करके परचेस के थ्रू पैसा निकाला है एम्प्लॉइज के थ्रू पैसा निकाला है ये बेवकूफ बनाना है ये मैन्युपुलेशन है पूरी तरीके से लोग ऐसे भी मैन्युपुलेट करते हैं ठीक है तो बस इतने एग्जाम्पल काफी है आगे आगे हम लोग और एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल यही पे डिस्कस कर ले जरूरी नहीं इतने हमारे बहुत मोर देन है तो गाइज बहुत प्यारा फ्लो हमारा चल रहा है बहुत प्यारा समा हमारा चल रहा है ठीक है हम लोग देख चुके हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट क्या है हम देख चुके हैं इंटरनल ऑडिट क्या है हम देख चुके हैं ऑडिट की डेफिनेशन देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहेगी आप देखिए हमको 75 फाइव आवर्स में पूरा कोर्स कवर करना है बड़े अच्छे से कवर करना है आपको इसमें हल्की सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं मैं इसकी लिंक आपको दूंगा ठीक है आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं लेक्चर के बाद में आप लिखना चाहो तो लेक्चर के बाद में भी आप इसको लिख सकते हैं अभी सिर्फ ध्यान से आप लेक्चर देख लो ऐसा भी आप कर सकते हैं दोनों ऑप्शन आपके पास में है ठीक है नाउ तो ऑडिट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हिसाब से सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एक न्यूट्रल निष्पक्ष व्यक्ति इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हैल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिविनियन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिविनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू वेर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ठीक है तो अब हमारा बेस क्लियर हो रहा है अवर बेस आई होप यू आर लविंग द लेक्चर यू आर लविंग द फ्लो यू आर एंजॉइंग द फ्लो यू आर सिंपली फीलिंग वाओ ठीक है देखो हमको इनिशियली पूरा बेस बनाना है अभी तक मैंने कुछ भी टेक्निकल शुरू नहीं किया है मैंने कुछ भी टेक्निकल शुरू नहीं किया है ठीक है नाउ लेट्स सी अकाउंटिंग कैसे करना इसके प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वैसे ऑडिट कैसे करना इसके सारी प्रिंसिपल्स आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में और मैं आप लोगों को बता दूं, हर सब्जेक्ट का एक अल्टीमेट गोल होता है एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है एक उसकी आत्मा होती है आत्मा सर आप हॉरर में चले गए ठीक है आपकी डीटी की बात करें तो भाई गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहती है यह उसकी आत्मा है ये उसका बेस है यानी उसका मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है ज्यादा से ज्यादा बस पैसा ले लो पैसा ले लो पैसा ले लो ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लो इट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना चाहती है जीएसटी में भी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स निकालना चाहती है करेक्ट ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालनी चाहती है तो ये उसकी आत्मा है अगर हम बात करें अगर फिर हम बात करें लॉ की तो भाई लॉ सभी लोगों का ख्याल रखना चाहता है लॉ शेयर होल्डर्स का ख्याल रखना चाहता है ठीक है लॉ शेयर होल्डर्स का ख्याल रखना चाहता है सभी जितने भी लोग जुड़े हैं सबका लॉ ये कंपनी लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है ये उसकी आत्मा है ठीक है अगर हम बात करते कॉस्ट तो कम से कम कॉस्ट कैसे एक्यूरेटली निकले और कॉस्ट कैसे कम से कम हो ये उसकी आत्मा ऑडिट की आत्मा है कैसे ऑडिट के प्रोसेस को कम से कम समय में करें, कम से कम समय में कम से कम रिसोर्सेस में करें और अच्छे से अच्छा करें, प्यारे से प्यारा करें, रिलायबल हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स बने भरोसेमंद हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स बने कम से कम समय में काम हो और अच्छी से अच्छी हमारी रिपोर्ट्स बने ये हमारा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इतने जो बने हुए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने इसीलिए है ताकि कम से कम समय में काम हो और अच्छे से अच्छा काम हो ठीक है आइए तो अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑन अभी कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बढ़िया प्यार से कॉन्सेप्ट्स को बनाइए कॉन्सेप्ट को बनाइए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए पहले तो अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करते हैं ये हमको बताते हैं हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट ये, हम है, how to conduct audit, ये हमको हाउ टू कंडक्ट बताते हैं प्रिंसिपल्स नॉलेज प्रोसेसेस हमको बताते हैं कैसे कम से कम समय में कम से कम समय में अच्छी से अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाना और तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप ऐसी कंपनी में जाओ ऐसी कंपनी में जाओ जहां पे पच्चीस हजार अकाउंट है मजाक नहीं कर रहा हूं इससे ज्यादा होते हैं पच्चीस हजार अकाउंट है और आपको बोलते फटाफट फ़ड़ ऑडिट करके दे दो फटाफट ऑडिट करके दे दो पच्चीस हजार अकाउंट है पूरे इंडिया में 400 लोकेशंस पे काम हो रहा है कहीं पे प्लांट है कहीं पे गोडाउन है कहीं पे शोरूम है कहीं पे ब्रांच है कहीं पे रीजनल ऑफिस है क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो भाई ऐसे कैसे कर लेंगे नाउ ठीक है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग आपको काम आएंगे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग आपको बताएंगे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा ऑडिट कैसे करना ठीक है और जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स होते हैं ना वैसे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के भी नंबर होते हैं वी हैव नंबर हमारे पास में सीरीज होती है नंबर्स की उसके बारे में बहुत पढ़ेंगे अच्छे से 200 सीरीज होती है जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पूरा ऑडिट प्रोसेस कैसे perform करना उसके पर बताते हैं आपकी 300 और 400 है, जो आपको प्लानिंग कैसे ऑडिट प्रोसेस को पूरा प्लान करना कैसे इंपॉर्टेंट बातों को तय करना ठीक है कैसे पूरे प्रोसेस को सेट करना प्लानिंग के बारे में बताते हैं ठीक है 500 आपको बताता है कैसे हर चीज का एविडेंस इनकम सही है क्या उसके लिए कैसे सबूत फाइलों में लाना एक्सपेंस के लिए कैसे सबूत इकट्ठा करना एसेट्स के लिए कैसे सबूत इकट्ठा करना लाइब्रिटी के कैसे इकट्ठा करना नोट्स टू अकाउंट्स के कैसे सबूत इकट्ठा करना ये आपको ऑडिट एविडेंस कैसे ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा कर करके लाना क्या होते हैं ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के ऑडिट एविडेंस कैसे उसको इकट्ठा करके लाना ये आपको बताता है सिक्स हंड्रेड है सिक्स तो। हंड्रेड बोलता है खुद तो मेहनत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरों की भी तो मदद लो ऑडिट करने में ब्रांच ऑडिटर की मदद लो इंटरनल ऑडिटर की मदद लो एक्सपर्ट की मदद लो इन सब की तो मदद ले लो ठीक है तो यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स 600 फाइनली 700 सौ हमको बताता है रिपोर्ट्स कैसे बनाना प्यारी प्यारी रिपोर्ट्स कैसे बनाना यह हमको बताता है 800 कुछ स्पेशलाइज एरियाज के बारे में बात करता है फाइनल में पढ़ेंगे हम लोग अभी आपके कोर्स में नहीं है सिर्फ एग्जाम्पल बता दू समिक ऑडिट कैसे देखो अभी मैं आपका एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल बेस बना रहा हूं बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल बेस बना रहा हूं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर रहा हूं ठीक है और अब हम बेसिक ऑडिट से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का भी मैं आपका बेस बना क्योंकि हमारे आठ चैप्टर है, है स्टैंडर्ड्स तो उसका एक प्यारा सा बेस होना चाहिए लवली बेस होना चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया ऑडियो आप, रिवीजन ठीक है आपको ऑडियो रिविजन मिलने वाला है तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है ठीक है लेट्स सी नाउ तो 700 रिपोर्टिंग चलो देखते दो सौ हमको बेसिक प्रिंसिपल्स मोटा मोटी याद रखना है लोड लेना है बेसिक प्रिंसिपल्स बताएगा 300 और 400 300 और 400 हमको बताएंगे कि प्लानिंग कैसे करना है 500 हमको बताएगा सबूतों कैसे इकट्ठा करना है 600 हमको बताएगा दूसरों की मदद कैसे लेना है फाइनली 700 बताएगा ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है कुछ स्पेशल एरियाज के बारे में 800 बात करेगा ठीक है 800 बात करने वाला है नाउ तो ये आपका स्टैंडर्ड्स की सीरीज है आइए बहुत मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूं बहुत मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलू ये तो आपका जो पूरा ऑडिट प्रोसेस है ये पूरा जो आपका ऑडिट प्रोसेस है ना ये ऑडिट प्रोसेस कैसे चलता है कैसे चलता है ये मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ ठीक है आइए तो पूरे स्टैंडर्ड्स का रिसर्च करके बहुत प्यारी तरीके से उसको पढ़ के समझ के मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे चलता है तो अगर हम ऑडिट प्रोसेस की बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस एज पर एसेस फेजेस में होगा ठीक है ऑडिट प्रोसेस को स्टडी करना बहुत प्यारी चीज है इसका जो नॉलेज है, है अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसके नॉलेज और चीजों को लेकर आप चलोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो जो बंदा ऑडिट प्रोसेस को मैनेज कर सकता है वो तो ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज कर सकता है बहुत अच्छे से ठीक है आइए मोटा मोटी पांच फेजेस में बांट सकते हैं कोई भी ऑडिट में जो फर्स्ट फेज होता है इनिशियल फेज होता है द फर्स्ट फेज इज इनिशियल फेज इनिशियल फेज में ठीक है जब भी कोई हमारे पास में आता है कि भाई मुझे ऑडिट करवाना है हम बहुत सोच समझ के तय करते हैं इसका काम लेना कि नहीं लेना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं जानता हूं लोग मरे जाते हैं लेकिन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से जब भी कोई आपसे ऑडिट करवाने के लिए आए बहुत सोच समझ के ऑडिट लीजिए ऑडिट क्या है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी सर कोलैबोरेटिव मतलब ऐसा है कि वो हमको इंफॉर्मेशन देते जाएंगे और हम उसको चेक करते जाएंगे वो इंफॉर्मेशन देते जाएंगे हम उनको चेक करते जाएंगे इंफॉर्मेशन देते जाएंगे हम उनको चेक करते जाएंगे वो इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो हम चेक क्या करें हमारे पास में बहुत लिमिटेड पावर्स होते हैं वेरी लिमिटेड पावर्स। ऐसे केस में सामने वाले का सामने वाले का थोड़ा ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है देखो पूरी तरीके से ऑनेस्ट तो कोई नहीं होता लेकिन कंपैरेटिवली एक ऑनेस्ट बंदा बहुत जरूरी है पता चला सामने वाले के ऊपर पचासों सौ केसेस चल रहे झूठ धोखा फ्रॉड मर्डर मार्केट में नाम बहुत खराब है चोर आदमी है चोर आदमी है बैंक का पैसा खा लिया गवर्नमेंट के टैक्सेस का पैसा खा लिया बहुत ही चोर आदमी है इतनी चोरी करता है इतनी चोरी करता है जिसकी लिमिट नहीं है किसी को नहीं छोड़ा घर वालों को भी नहीं छोड़ा एकदम झूठा आदमी है चोर आदमी और तो भाई तुम और इसका ऑडिट करने जाओगे तुमको भी बेवकूफ बनाएगा एक दिन तुमको भी चूना लगा देगा ठीक है तुमको भी काटेगा करेक्ट तो नाउ इनिशियल फेज जो पहला फेज होता है पहला फेज होता है वो इनिशियल फेज है इनिशियल फेज में बहुत सोच समझ के तय करना पड़ता है कि कोई असाइनमेंट को ले या ना ले नया असाइनमेंट ले देखो ये बेसिक है ठीक है असाइनमेंट ले या ना ले पुराना असाइनमेंट इस साल कंटिन्यू करे या ना करे ये इनिशियल फेजेस में होता है एक बार लग रहा है कि सब सही है तो फिर हम लोग आपस में आपस में हम लोग ऑडिटर और क्लाइंट आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि ऑडिट में उनकी क्या जिम्मेदारी होगी और ऑडिट में मेरी क्या जिम्मेदारी होगी एक अग्रीमेंट बनाते हैं इसी को बोलते हैं ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अग्रीमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसको बोलते टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सगाई नहीं भाई ठीक है सगाई नहीं होता है एंगेजमेंट मतलब यहां पे होता है असाइनमेंट ये यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग जो असाइनमेंट होते हैं उसको वर्ड बोलते हैं एंगेजमेंट तो साथ में हम लोग इनिशियल फेज में एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं एक प्रकार से आपस में हम लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं आपकी क्या जिम्मेदारी मेरी क्या जिम्मेदारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हम लोग साइन करते हैं यह इनिशियल फेज होता है तो इनिशियल फेज में आराम से बैठ के पहले सोचा जाता है काम करना है कि नहीं करना है और अगर करना है तो एंगेजमेंट लेटर को साइन किया जाता है एंगेजमेंट लेटर इज साइंड फिर अगला फेज होता है सेकंड फेज अगला फेज होता है सेकंड फेज और प्लानिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात होती है बहुती important, बहुती important, बहुती प्यारी एक बात होती है रिस्क असैसमेंट मैं आपको बता दू हमारा ऑडिट क्वांटम बेस्ड नहीं होता क्वांटम बेस्ड मतलब क्वांटिटी बेस्ड नहीं होता कि भाई चालीस आइटम है चालीस आइटम है चार सौ घंटे हमारे पास ऑडिट करने के फोर हंड्रेड मैन आवर्स है चार सौ डिवाइड बाई चालीस चार सौ डिवाइड बाय चालीस दस दस घंटे सबको बांट दो दस 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 इस तरीके से हम ऑडिट नहीं करते हम क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं करते कि बस हर आइटम को इक्वल टाइम दे दो या फिर बस बड़े आइटम को ज्यादा टाइम दे दो छोटे आइटम कम टाइम को खत्म करो ऐसा नहीं ना ना ना, ना 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 आज के डेट में पूरी दुनिया में क्वांटम बेस चलना नहीं होता है भाई आप सोच के देख लो कुछ चैप्टर होते हैं कुछ चैप्टर होते हैं पेजेस ज्यादा होते हैं फटाफट हो जाते हैं कुछ चैप्टर्स होते हैं पेजेस कम होते हैं पेजेस कम होते हैं लेकिन उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा होता है जैसे भाई कॉस्टिंग कॉस्टिंग मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था भाई ठीक है अपन रैंक होल्डर थे ऑल इंडिया रैंक होल्डर थे अपन लेकिन कॉस्टिंग अपने लिए बहुत खतरनाक था क्या बताऊं मैं आपको चालीस मार्क थे मेरे को इंटर में रैंक होल्डर थे फाइनल में भी चालीस थे लुक कैट दिस इतना प्यार था मुझे ऑडिट से इतना प्यार था मुझे कॉस्टिंग से इतना लगाव था मुझे कॉस्टिंग से। ठीक है? तो रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है व्हाट डू मतलब जहां पर रिस्क मतलब गलत चीजें होने के चांसेस शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे डूबने के चांसेस है रिस्क है डूबने के चांसेस है रिस्क है रिस्क असेसमेंट गाड़ी चलाओगे टू व्हीलर बारिश में स्लिप होने के चांसेस है ठीक है सीए की एग्जाम दोगे टफ एग्जाम है टफ एग्जाम होती है टफ चीजें करने से आदमी टफ बनता है ठीक है टफ बनता है आदमी इसमें हो सकता है आपको दोबारा देना पड़े रिस्क है आपने किसी को प्रपोज किया हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे तो रिस्क है या फिर आपको फ्रेंड जोन कर दे रिस्क है रिस्क है तो इश्क है नाउ गाइज रिस्क रिस्क बेस्ड ऑडिट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे दुनिया में अब चल रही है कि रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं इसका मतलब हम ढूंढ के निकालते हैं वो फाइनेंशियल आइटम्स जहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो ढूंढ के हम लोग निकालते हैं हम लोग हम लो रिस्क असेसमेंट करते हैं हम लोग रिस्क असेसमेंट करते और ढूंढ के निकालते कि कहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कौन से वो एरिया है जहां पे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है कहां पे देख गाइज अगेन ये हमारा पहला लेक्चर है हम बेस क्रिएट कर रहे हैं अभी तक मैंने कोई भी चैप्टर शुरू नहीं किया है मैंने अभी तक कोई भी चैप्टर शुरू नहीं किया है दोस्तों है ना दोस्तों ठीक है रिस्क असेसमेंट हम पता लगाते कौन से एरिया में गलती होनी चाहिए पता लगाना बहुत आसान है आप देखिए कहां पे कॉम्प्लिकेशन है वेयर आर द द्लिकेशन जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना बहुत कॉम्प्लीकेट होता है दस बीस तो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट वो डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में अरे रे 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 ठीक है इधर की कॉस्ट इधर भाई साहब इधर की कॉस्ट उधर हो रही है कहीं पे लेबर yeah. आर के बेस पे इंडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे हैं सॉरी आपके ओवर एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहीं पे यूनिट के हिसाब से ओवर एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहीं पे लेबर कहीं पे मशीनर न जाने क्या 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 चीजें लग रही है बहुत कॉम्प्लिकेशन है जहां पे कॉम्प्लीकेशन बहुत सारे होते हैं ना जहां पे कॉम्प्लीकेशन बहुत सारे होते हैं वहां पे ह्यूमन एरर हो सकते हैं वहां पे हो सकता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में गलती हो जाए लोग गलत फार्मूला लिख दे गलत अमाउंट लिख दे ठीक है गलत सेल नंबर डाल दे जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है हो सकता है लोगों को चाहिए समझ में ना आए लोगों को चाहिए समझ में ना आए लोग के हाथ से ह्यूमन एरर्स हो जाए मिस कैलकुलेशन हो जाए करेक्ट गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वेंट्री में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे आपके डेफर्ट टैक्स असेट्स और लाइबिलिटीज है कॉम्प्लिकेट होता है डेफर टैक्स एसेट्स और लाइब्रिटीज डेफर टैक्स एसेट्स लाइब्रिटीज कॉम्प्लीकेटेड है वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है करेक्ट ए एस ट्वेंटी टू तो कॉम्प्लिकेशंस प्रेशर कंपनी पे बहुत प्रेशर होता है बहुत प्रेशर प्रेशर है प्रॉफिट्स लाओ टर्नओवर लाओ प्रॉफिट्स लाओ नहीं तो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग नहीं होगा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग नहीं होगा तो कैसे चलेंगे बाइजूज दुनिया भर का प्रेशर है जब बहुत प्रेशर होता है प्रॉफिट लाने का बहुत प्रेशर होता है रेवेन्यू लाने का वहां पे मैनिकुलेशन के चांसेस है रिस्क होता है कहां प्रेशर है जजमेंट भाई साहब जजमेंट बेस काम चल रहा है भयंकर जजमेंट बेस काम चल रहा है ठीक है आप पढ़ते हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हो अंदाजा लगाना पड़ता है कितना रेवेन्यू मिलेगा कॉस्ट प्लस वेरायबल कितना मिलेगा अंदाजा लगाना पड़ता है कितनी कॉस्ट होगी अंदाजा लगाना पड़ता है कितना प्रॉफिट होगा पहले अंदाजा लगाओ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ पढ़ के कितना रेगुलर रेवेन्यू कितना एस्केलेशन कितना फलाना कितना ठिकाना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो अरे राम 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 राम, राम. फिर ये देखो कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है ट्वेंटी परसेंट कंप्लीट हुआ है कि थर्टी परसेंट कंप्लीट हुआ है कि फोर्टी परसेंट कंप्लीट हुआ है वो देखो ट्वेंटी परसेंट की थर्टी परसेंट की फोर्टी परसेंट वो आपको देखना पड़ता है हाँ भाई ठीक है फिर जितना भी आपका कंप्लीशन होता है उसके हिसाब से वो भी अंदाजा है उसके हिसाब से रेवेन्यू बुक होता है अरे भाई इतने अंदाजे इन्वॉल्व है ना अंदाजा गलत हो सकता है अंदाजा मतलब जजमेंट कर रहे हैं कितना होगा जजमेंट नाम में ही है कि वो अमाउंट अमाउंट है नहीं है, एक्यूरेट नहीं अंदाजा लगाया गया है अजम्पन लिए गए हैं काम खत्म में होने में कितना टाइम लगेगा अजम्पन लिया गया है हमारे खर्चे कितने होंगे अजम्पन लिया गया है अजम्पन लिए गए हो सकता है अजम्पन गलत हो जाए एस सब एरिया को मार्क किया जाता है एस सब एरिया को रिस्की एरिया मार्क किया जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क रिस्क असेसमेंट किया जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सर ये क्या होता है मटेरियल मतलब बड़ा अरे सबका ok, hmm. मतलब देखेंगे अभी सिर्फ समझो मटेरियल मतलब बड़ा मिसस्टेटमेंट मतलब गलती रिस्क असेसमेंट में निकल आता कहां-कहां पे बड़ी-बड़ी गलतियां होने के चांसेस तो प्लानिंग फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जाती है कि निकाला जाता है कहां कहां पे गलती हो सकती है फिर इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं वी गो टू थर्ड फेज एग्जीक्यूशन अब एग्जीक्यूशन में हम लोग छानबीन कर करके सारे रिस्की इनकम्स एक्सपेंसेस एसेट्स लाइबिलिटीज इन सब के लिए सबूत इकट्ठा करते अपनी फाइलें बनाते लबालब भरते फाइलों को एग्जीक्यूशन फेज में एग्जीक्यूशन फेज में चुन चुन के जगह जगह से हम लोग एविडेंसेस को निकाल कर लाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था रेंट का एविडेंस रेंट एक्सपेंस का एविडेंस एविडेंस ढूंढ के लाते हैं। फिर आपका अगला फेज होता है रिपोर्टिंग फेज फाइनली ऑडिट रिपोर्ट बनाया पहले ओपिनियन बनाते हैं। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन बनाया जाता है और ओपिनियन बनाने के बाद में एक प्यारे प्यारे से से फॉर्मेट फॉर्मेट में प्यार में ओपिनियन ओपिनियन को को सजा के, को सजा के के बताया जाता है दिखाया जाता है ठीक है नाउ आखिरी फेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे डॉक्यूमेंट्स फाइलों को संभाल के रखना पड़ता है लोग आते हैं इंस्टीट्यूट को ये लोग आके देख सकते हैं तुमने बराबर काम किया कि नहीं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट की फाइलें होनी चाहिए आपके पास में ऑडिट की फाइलें होनी चाहिए लोग आएंगे आपसे पूछने के लिए आपने ऑडिट बराबर किया क्या एज पर स्टैंडर्ड ऑन और ऑडिटिंग ठीक है आपको ठीक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बराबर किया कि नहीं किया तो फिर डॉक्यूमेंटेशन uh, होना चाहिए उसका देर शुड बी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट फाइल्स होनी चाहिए तो वो आपका फिफ्थ फेज है, आइए बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा पांच फेज होते हैं पहला फेज होता है इनिशियल फेज इसमें सोचा जाता है असाइनमेंट ले या ना ले एंगेजमेंट लेटर को बनाया जाता है सेकंड फेज में तो पहला फेज आपका इनिशियल फेज है इनिशियल फेज के बाद में अगला फेज आपका प्लानिंग फेज है सोचा जाता है कहां पे गलती होगी रिस्क असेसमेंट किया जाता है रिस्क असेसमेंट किया जाता है अगला फेज है एग्जीक्यूशन फेज है। यहां पे बडे बड़ी, बड़ी जो आपके जो रिस्की आइटम्स है बड़े आइटम्स है उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जाते हैं फिर आपका फिर आपका रिपोर्टिंग फेज आता है देन कम्स द रिपोर्टिंग फेज करेक्ट और फिर फाइनली आपके अदर पॉइंट्स में डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है आई होप गाइज आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है एब्सोलूट क्लैरिटी है चीजों को लेकर के इज एप्सोल्यूट क्लैरिटी ठीक है एप्सोल्यूट क्रिस्प क्लैरिटी आपके दिमाग में ओके ओके जस्ट गाइस नाउ फिर तो आपका एग्जीक्यूशन फेज है रिपोर्टिंग फेज है और फिर और फिर हमारे अदर पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन गाइज यहां पे हमारा एक बहुत ही प्यारा बेस तैयार हो गया देखिए लगभग हम लोगों ने डेढ़ घंटा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया डेढ़ घंटा वो डेढ़ घंटे में पहले मैंने बहुत सारी बातें की ठीक है तो लगभग लगभग एक घंटे में हम लोगों ने बहुत प्यारा बेस बनाया कि दो तरह तो के ऑडिट्स है आपके बड़े प्यारे एक्सटर्नल ऑडिट है यू आर हैव एक्सटर्नल ऑडिट ठीक है आपका इंटरनल ऑडिट है आपके ऑडिट की डेफिनेशन है वी हैव ऑडिट डेफिनेशन और ऑडिट कैसे करना इसके लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वी हैव एसेज वी हैव स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ठीक है और आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज है और इसके पांच फेजेस है देखो जित जहां आप मेरे साथ बेस ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में धीरे धीरे कमांड पकड़ेंगे और बता रहा हूं मैं आपको इतनी जोरदार आप कमांड पकड़ोगे कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा बता रहा हूं मैं आपको इतना तोड़ फोड़ दोगे आप इतना जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी ठीक है मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं फाइनल के लेवल के बच्चों को जाकर आप पढ़ाओगे स्टैंडर्ड जोनोरिटिंग बोले मैं आपको बताया तो भैया दीदी मैं आपको बतायाता तो हूं कि क्या होते हैं स्टैंडर्ड जोनोरिटिंग ठीक है नाउ आइए अब मैंने आपको बताया कि आप चीजों को अगर लिखना चाहते हैं तो आप बाद में भी लिख सकते हो आप लिखना चाहते हो तो आप बाद में भी लिख सकते हो आप स्टॉप करके लिख सकते हो अगर आप चीजों को बाद में लिखना चाहो तो आप चीजों को बाद में भी लिख सकते हो यू कैन राइट इट लेटर ऑल्सो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा और आप उसके बाद उसको लिख सकते हो ठीक है नाइज जो पहला पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं द फर्स्ट तो जो पहला हम लोग और हम लोग ऐसे शुरू कर रहे हैं द फर्स्ट ऐसे वो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऐसे 500 से ठीक है आपका चैप्टर नंबर फोर सात इसके अंदर स्टैंडर्ड्स है और वन ऑफ द वेरी बिग चैप्टर्स सबसे बड़ा चैप्टर है मैं आपको बोलूंगा कि इस चैप्टर को करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है सबसे ज़्यादा लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं बच्चे इनिशियली बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं धीरे धीरे ना उनका पेशेंस कम हो जाता है धीरे धीरे उनका पेशेंस ठीक है ह्यूमन बिहेवियर मैं भी समझता हूँ इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर तो ह्यूमन बिहेवियर है थोड़ा पेशेंस कम होते जाता है तो कोई बात नहीं इसलिए अगर मैं इनिशियली इस चैप्टर को ले लूँ ना तो मज़ा आ जाएगा मज़ा आ जाएगा आपका भी जोश हाई रहता है मेरा भी जोश हाई रहता है जोश जोश में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे ठीक है आइए नाउ वट इज द रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस किसी को अगर नोट्स चाहिए तो मैंने चैट में ठीक है यूट्यूब के चैट में मैंने इसको ये लिंक को डाला हुआ है आई एव गिवन द लिंक तो जो लिंक डाला हुआ है बच्चों वो लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे जो लिंक है वहां से आपको लेकिन ये लिंक आपको टेलीग्राम में ओपन करना पड़ेगा दोस्तों टेलीग्राम टेलीग्राम की लिंक है आपको ये लिंक या तो आपके मोबाइल पे क्लिक करके चला जाएगा या फिर ये लिंक को कॉपी करिए और टेलीग्राम का जो सर्च बार होता है डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो सर्च बार होता है वहां पे आप पेस्ट करिए तो आपको ये नोट्स वहां से मिल जाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों को अभी तक नोट्स पहुंचे नहीं होंगे ठीक है आइए नाउ तो हमारा पहला हमारा पहला स्टैंडर्ड है एस एफ बहुत ही प्यारा सा नटखट का सा स्टैंडर्ड है एंड दैट इज ऑन ऑडिट एविडेंस और पहले ही कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जेनरिक कॉन्सेप्ट है बहुत टेक्निकल नहीं है ऑडिट एविडेंस का रोल क्या है ठीक है तो मोटा मोटी आप जो मार्किंग दिख रही है वो मार्किंग करते जाइए मेरे साथ साथ में एक फ्लो है याद रखने का एक फ्लो है देखिए बहुत सिंपल है इनका कहना है एक ऑडिट बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है सिस्टमैटिक प्रोसेस है या हम जानते हैं कि बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है सिस्टमैटिक प्रोसेस है बहुत सोच समझ के बहुत सोच समझ के बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया जाता है तो बोले इसमें जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है इसमें जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना होता है बिल्कुल सही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना Whether financial statements true and fair क्या जो जानकारी लिखी है वो सच्ची जानकारी है क्या न्यूट्रल तरीके से बताई है क्या अनबायस तरीके से बताई है क्या ना चीजों को बढ़ाकर बताया है ना चीजों को कम करके बताया है बोले बार ये ओपिनियन बनाना है ना अगर हमको ये ओपिनियन बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल आइटम्स के ऊपर तो जितने भी रिस्की आइटम्स है अभी हमने बोला रिस्क जहां पर गलती होने के चांसेस है जितने भी मटेरियल आइटम्स है ठीक है उसके लिए हमको सबूत लगेंगे जिसके बेस पे हम ये पता लगा सके कि यार ये चीजें सही है या गलत है कंक्लूजन ड्रॉ कर सके अगर हमको बहुत प्यारा ओपिनियन देना है तो हमको बहुत ही भरोसेमंद बहुत ही भरोसेमंद बहुत ही भर, बहुत ही हमको बहुत ही भरोसेमंद हमको बहुत ही भरोसेमंद हमको बहुत ही रिलायबल हमको ना ऑडिट एविडेंस लगेगा वी विल नीड ऑडिट एविडेंस बहुत ही रिलायबल तो लॉजिकल प्रोसेस है हम ओपिनियन देना चाहते हैं और अगर हम लोग ओपिनियन देना चाहते हैं अगर हम ओपिनियन देना चाहते हैं ठीक है तो हमको बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडिट एविडेंस लगेगा विल क्वालिटी ऑडिट एविडेंस ठीक है और तो ये रोल है ऑडिट एविडेंस का और ये ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हमको बहुत सारे एग्जामिनेशंस करने पड़ेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी रेंट का लिया था रेंट के लिए आपको रेंट का अग्रीमेंट आपको रेंट के लिए प्रॉपर्टी को देखना होगा रेंट का अग्रीमेंट देखना होगा आपने पेमेंट किया तो उसकी रिसीट्स आपको देखनी होगी आपको एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को देखना होगा टी आपने काटा है वो डॉक्यूमेंट आपको देखना होगा तो जब आप बहुत सारे एग्जामिनेशन करोगे आप बहुत सारे एग्जामिनेशन करोगे आप चीजों को देखोगे आप डॉक्यूमेंट को देखोगे स्टडी करोगे एनालाइज करोगे ठीक है स्टडी करोगे एनालाइज करोगे जस्ट हेलो तो बहुत सिंपल सा हमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और केयरफुली करना पड़ेगा अगर हम इसमें निग्लिजेंट रहे लापरवाह रहे ठीक है आपने डुप्लीकेट अग्रीमेंट देख लिया बिना साइन स्टैम्प का आपने अग्रीमेंट देख लिया तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा बारह के भाव में आपको बेवकूफ बना देगा और आपके हाथ से गलती हो जाएगी ठीक है और फिर लोग आपको गालियां देंगे लोग आपको जिम्मेदार ठहराएंगे तो बहुत सिंपल सा है अभी अगर देखो इतना है इसको आप रट नहीं सकते आप एक फ्लो में याद रखते हाँ फ्लो आ, क्या है रोल ऑडिट एविडेंस का बहुत सिंपल है समझाना लॉजिकल प्रोसेस है इसमें ओपिनियन देना होता है ओपिनियन देने के लिए सभी रिस्की और बड़े आइटम्स के लिए हमको ऑडिट एविडेंस लगेगा तभी ठीक है तभी हम लोग ओपिनियन बना पाएंगे और ऑडिट एविडेंस चाहिए हम लोगों को तो इसके लिए हमको एग्जामिनेशन करने होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा और बहुत, करना पड़ेगा. बहुत करना पड़ेगा अगर हम रेकलेस रहेंगे अगर हम रेकलेस रहेंगे अगर हम निग्लिजेंट रहेंगे रेकलेस रहेंगे निग्लीजेंट रहेंगे तो गलती हो जाएगी ठीक है अथॉरिटीज हमको पनिश करेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये हमको पनिश करेंगे दुनिया भर के लोग हमको पनिश करेंगे ठीक है तो एस एफ फाइव हंड्रेड हमको यही बताता है व्यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस कौन सा एविडेंस सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट सर ये क्या होता है सफिशियंट सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट अप्रोप्रिएट हो सफियंट मतलब क्वांटिटी इनफ क्वांटिटी हो मतलब सभी वैरायटी के प्रोडक्ट्स कवर हो पूरे वेराइटी के प्रोडक्ट्स कवर होने चाहिए हर क्वार्टर कवर होना चाहिए जब पूरी वैरायटी कवर होती है उसको बोलते सफिशियंट सफ़िशिएंट एविडेंस होना चाहिए पूरा कवरेज होना चाहिए कोना कोना कवर होना चाहिए अच्छा उसको बोलते क्वांटिटी सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट सर अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट मतलब ठीक है क्वालिटी वो सबूत क्वालिटी एविडेंस होता है जो रिलायबल हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने देखने चाहिए साइंड और स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स आपने देखने चाहिए तो वो रिलायबल एविडेंस होता है रिलेवेंट हो काम का एविडेंस होना चाहिए ठीक है काम का जहां पे जो चीज चेक है तो एक्जेक्टली उसका जो प्रॉपर्टी का रेंट चेक करें तो एग्जैक्टली उसका चाहिए अग्रीमेंट किसी और का नहीं चाहिए तो ऐसे फाइव हंड्रेड इसीलिए बना है वो हमको बताता है कि क्या क्या होता है ऑडिट एविडेंस क्या होता है सफीन ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करना ऑडिट एविडेंस उसको कैसे स्टडी करना उसको कैसे कंक्लूड करना तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही सिंपल सा ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस इसमें हम ओपिनियन देना चाहते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू

एग्जामेशन करना पड़ेगा रेकलेस और निग्लिजेंट रहेंगे इट मे लीड टू लीगल एक्शन लॉस प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज एस एंडिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिटेंस एस ए बोलेंगे आएगा बहुत बार आएगा अभी एंड ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इसको हासिल करना किस तरह की ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके इसको हासिल करना ताकि हम इसके बेस पे कंक्लूजन अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे एक फ्लो में चीजों को याद रखना है फ्लो और 500 क्या बोलता है बस ये दो बातें अगर मुझे याद रहेगी ना यही तरीका है बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं बच्चे गलती करते देखो ये टेक्निकल लैंग्वेज को रटने जाते सड़ जाओगे बता रहा हूं मैं सड़ जाओगे मर जाओगे छोटी सी चीज को रटने के लिए आप एक एक घंटा लगा दोगे ठीक है एक एक घंटा लगा दोगे अगर एक एक घंटा आप लगा दोगे ना अगर एक एक घंटा अगर एक एक घंटा आप लगा दोगे इसको पढ़ने के लिए रटने के लिए और दो दिन में भूल जाओगे ना तो फ्रस्ट्रेशन चढ़ जाएगा ठीक है ऑडिटिंग इज अ देखो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज सुबह अल्लाह मैंने इंस्टीट्यूट किया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनली बने ये जो एस हम लोग पढ़ रहे हैं इट इज 99 परसेंट कॉपी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और इंटरनेशनली जो लोगों ने लिखा है उनका लहजा अलग है उनका लिखने का तरी ठीक है तो वो लैंग्वेज को रटना बहुत मुश्किल जाता है सो और एज इट इज लिखना पड़ता है ये गलत फैमिल है भाई बच्चे पॉइंट्स नहीं लिखते बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं मिलते क्योंकि पॉइंट्स नहीं लिख रहे पॉइंट्स अगर लिखोगे इस तरीके से याद रखोगे बोलोगे यार ये या ऐसा प्रोसेस है इसमें ओपन बनना पड़ता है उसके लिए एविडेंस लगता है उसके लिए एग्जामिनेशन करना पड़ता है एग्जामिनेशन केयरफुली करना पड़ता है सबको आपने जोड़ दिया कैसे याद नहीं रहता मैं भी देखता हूं पॉइंट्स नहीं होते बच्चे को याद और मैं आपको ऑडियो रिविजन भी देने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको ऑडियो रिविजन देने वाला हूँ आई एल बी गिविंग ऑडियो रिविजन ऑल्सो ठीक है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊं चलो पढ़ते देखो ये आप ठीक है गाइज हमारे जो चार्ट है बहुत फेमस है हम सिर्फ चार्ट की भी अलग से बुक रहती है फाड़ू चार्ट बुक बोलते हैं ठीक है ठीके? इस बार लेकिन अब मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा अभी जो अपने जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उनको तो पूरे ये चार्ट्स मिल रहे हैं सब कुछ करके मिलेगा अलग से चार्ट बुक आएगी क्या लेट्स सी कोशिश करेंगे लेकिन आएगी जरूरी नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी ठीक है बिल्कुल जरूरी नहीं है तो आइए ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस इज अ लॉजिकल प्रोसेस एंड ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन टू असेस द एक्चुअलिटीज एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन रिव्यू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उसको बुलाया जाता है एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन Review the statement of account and give an expert opinion about the truth and fairness of such accounts. This he cannot do unless he has examination, examined the financial statement objectively. Objective examination connotes critical examination, scrutiny of accounting statement of the undertaking with a view to assessing how the statement present the actual state of affairs in the correct context and whether they give true and fair view about the financial result and state of affairs an opinion founded rather reckless negligent examination evaluation may expose the auditor to legal action with consequential losses of professional standing and prestige he needs evidence to obtain information for arriving at his judgment ए फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन वॉट कॉन्स्टिट्यूटिट एविडेंस इन एंड ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डीलिटरिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑपटेन सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस टू एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस ऑडिटर्स ओपिनियन रट लो रट लो ठीक है मैं आपको बोलता हूं नहीं कर पाओगे कितना रटोगे कितना रटोगे भाई 800-900 पेज की आपका मॉड्यूल है कितना रटोगे नहीं होगा रट के बता रहा हूं मैं भाई सौ में से एक होता है जिसकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है वो रट लेते है ये सब कुछ मैं आपको फिर बता रहा हूं ये ऑडिट में फंसने का डूबने का सबसे बड़ा कारण है डूबने का सबसे बड़ा कारण है ये रटिए नहीं बिल्कुल मत रटिए रटोगे तो मर जाओगे ये मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट काटने को दौड़ेगा आप लोगों को काटने को इसको बेस्ट तरीका बता रहा हूं ये मैजिकल चार्ट से इसमें सब है इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो बस छोटे छोटे स्टेटमेंट बना लो प्यारे प्यारे स्टेटमेंट बना लो अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप तूफान मचा दोगे तूफान कसम से बता रहा हूं तूफान मचा दोगे जबरदस्त आप लिख लोगे ये टेक्निकल लैंग्वेज एक आदे चार्ट में कहीं पे बोल दूंगा शॉर्ट में तो भाई नीचे से थोड़ा रीड करके और थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे लेकिन ये तरीका समझ लो बच्चों और मैं आपको बता रहा हूं पूरे इंडिया के सबसे फाइनेस्ट चार्ट इंडेप्थ चार्ट और ये जो याद रखने का तरीका है कि भाई फ्लो और ऐसे फाइव याद रखने का तरीका है ये बच्चों ठीक है, नाउ आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऐसे 500 में यह समझ लिया हम लोगों ने ऐसे 500 के अंदर ठीक है अब यह हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है वॉट इज द रोल ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस का रोल क्या होता है यह हमने समझा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ वी गो हैड And let's see, what do you mean by और के के अंदर कितने तरह records होते हैं? आइए कोई कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी ऐसी चीज चीज जिसकी मदद से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं अबाउट फाइनेंशियल आइटम्स इनकम एक्सपेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसके बारे में मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं उस चीज को उस चीज को दोस्तों ऑडिट एविडेंस बोला जाता है दैट थिंग दैट थिंग इज कॉल्ड दैट थिंग इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस कोई भी ऐसी चीज फॉर एग्जाम्पल हम जाकर लोकेशन देख कर आए उससे मेरे मन में विश्वास पैदा हुआ मुझे भरोसा हुआ कि सही में ऐसी कोई जगह है जहां पे काम चल रहा है वो ऑडिट एविडेंस है डॉक्यूमेंट देखा वो ऑडिट एविडेंस है पूछा मैंने एम्प्लॉज को कितने लोग काम करते क्या काम करते उन्होंने जवाब दिया उससे मेरे मन में भरोसा आया विश्वास आया कि चीजें बराबर है वो आपको ऑडिट एविडेंस है कोई भी ऐसी चीज जिसके मदद से आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो आपको अश्योरेंस मिलता है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि चीजें सही है या गलत है वो सब चीज ऑडिट एविडेंस होती है देखना ऑडिट एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स ऑडिट एविडेंस है लोगों से पूछताछ करना उनके जवाब सुनना ये सब कुछ ऑडिट एविडेंस है एनीथिंग एनीथिंग एनी थिंग एनी थिंग एनी थिंग विच हेल्प कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इज ऑडिट एविडेंस जनरली ऑडिट एविडेंस में दो तरह के दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं दो तरह की इंफॉर्मेशन बोलिए देखिए ये सब्जेक्ट लॉ नहीं है ये सब्जेक्ट डीटी नहीं है आईडीटी नहीं है ये सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आप बहुत ज्यादा लकीर के फकीर नहीं हो सकते यू कैन नॉट बी लकीर के फकीर इन द सेंस एक एक वर्ड को लेकर बैठकर आप उसमें देखो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे याद है मेरा सीए इंटर का लॉ का लेक्चर पहला लेक्चर ठीक है सर के पास मैं गया और बोला सर मुझे डिक्शनरी लॉ की डिक्शनरी चाहिए आप बताइए कुछ सजेस्ट करिए तो सर बोले अरे बेटा मैं सब बताने वाला हूं तो क्यों चिंता कर रहा है मैं सब बता दूंगा सब समझाऊंगा जब भी टेक्निकल वर्ड आएगा सब बताऊंगा नहीं सर बोले ठीक है ये जा यहाँ पे नीचे एक बुक स्टोर है वहां पे ये डिक्शनरी होगी ले ले ठीक है सर ले, ले अभी क्या हो रहा है मेरे दोस्त लॉ भयंकर एंजॉय कर रहे हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनको बहुत ही सिंपल लग रहा है उनको लग रहा है इससे आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है अलग ही लेवल के मजे चल रहे दोस्तों के अलग लेवल के अलग ही लेवल के मजे ठीक है और मैं भयंकर स्ट्रगल कर रहा हूं मैं क्या कर रहा था हर वर्ड पे डिक्शनरी खोल रहा था हर वर्ड पे मैं डिक्शनरी खोल रहा था और डिक्शनरी खोल खोल के मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है मैं ये डिक्शनरी खोल खोल के कोशिश कर रहा हूं अब मैं एक बार डिक्शनरी खोल रहा हूं तो तो उसके चार मतलब निकल चार मतलब मैं पढ़ रहा हूं पांच मतलब मैं पढ़ रहा हूं जो उसका मतलब नहीं है यहां पे वो भी मैं पढ़ रहा हूं मेरे दिमाग में भरता बन रहा है कंफ्यूजन हो गया है मेरे दिमाग में आधा सेंटेंस पढ़ के मैं इंटरपीट कर रहा हूं मैं पूरा पैराग्राफ ही नहीं रहा हूं मैं आधा पेज वन पेज ही नहीं हूं मैं आधा सेंटेंस पढ़ के मतलब निकाल रहा हूं कैसे निकलेगा मतलब मैं लकीर का फकीर बन रहा हूं मैं लिटरेचर प्रोफेसर बनने जा रहा हूं सब्जेक्ट क्या बोलना चाहता है कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है मैं समझना ही नहीं चाहता भाई मेरे को बहुत तकलीफ हुई बहुत ही तकलीफ हुई पंद्रह दिन इतनी तकलीफ हुई इसलिए पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए पढ़ने का तरीका बहुत सही होना चाहिए इतनी तकलीफ हुई भाई कसम से इतनी तकलीफ हुई इतनी परेशानी हुई फिर कुछ सीनियर से बात हुई और ये बात समझ में आई कि मैं कहां गलत जा रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था मैं जबरदस्ती ठीक है मैं जबरदस्ती चीजों के पीछे भाग रहा था आई वॉज रनिंग बिहाइंड आई वॉज रनिंग बिहाइंड दर्ड्स एंड नॉट द मीनिंग एंड नॉट द विजडम विजडम के पीछे नहीं आता प्लीज डोंट डू दैट गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ठीक है एग्जेंशन मैं दिलवाऊंगा मेरे तरीके फॉलो करो बस और कुछ नहीं एग्जेपन मैं दिलवाऊंगा आपको करेक्ट और मेहनत की ना आपने अस्सी पार लेके जाएंगे ऑडिट को आइए तो दो तरह की इंफॉर्मेशन दो तरह की दो तरह की इंफॉर्मेशन इसमें होती है दो तरह की इंफॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड डेफिनेटली अदर अदर रिकॉर्ड्स, अदर इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं तो अदर रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब क्या अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बनते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए और अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए और अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी रिकॉर्ड्स बनते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन था उसका वाउचर बनाते उसको रिकॉर्ड करते एक पेपर पे उसको वाउचर बोलते ठीक है उसको वाउचर ठीक है वाउचर पे आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है आप डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए डेप्रिसियन का कैलकुलेशन बनाते हैं आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनाते हैं वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है इसके बेस पे आप प्राइमरी बुक्स में एंट्री करते हैं परचेज बुक में एंट्री करते सेल्स बुक में एंट्री करते कैश बैंक बुक में एंट्री करते वो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ठीक है फिर इसके बेस पे आप पोस्टिंग मारते आप लेजर पे पोस्टिंग मारते लेजर में आप पोस्ट करते हैं वो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को स्टडी करके एनालाइज करके आपको एविडेंस मिलता है यू गेट इट फ्रॉम यू गेट इट फ्रॉम स्टडिंग एनालाइजिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जितने भी डॉक्यूमेंट

आपकी अदर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लेकिन तो आपके बहुत सारे आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स चेक करने इनकम एक्सपेंस एसेट एसेज बहुत कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चेक होता है लेकिन एक स्मार्ट ऑडिटर वो होता है एक स्मार्ट ऑडिटर वो होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर भी चीजों को देखता है लीगल रिकॉर्ड्स लीगल रिकॉर्ड्स देखो ठीक है लीगल रिकॉर्ड्स कंपनी बनते हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है एओए होता है एमओए होता है लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ठीक है लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स बनते हैं बहुत सारे ये रिकॉर्ड्स देखो ठीक है आपको डायरेक्टर की सैलरी चेक करनी है लीगल रिकॉर्ड्स देखो रेंट चेक करना है लीगल रिकॉर्ड्स देखो लोन का इंटरेस्ट चेक करना है लोन अग्रीमेंट देखो लीगल रिकॉर्ड्स फिर एम्प्लॉयज आते हैं आपको सैलरी चेक करनी है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स देखो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देखो ओवर टाइम देखो वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियर चेक करना है प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखिए अदर इंफॉर्मेशन इट हेल्प्स टू ऑथेंटिकेट मेशन इट हेल्स टू ऑथेंटिकेट बड़ी प्यारी चीज है जिसकी मदद से आप इट हेल्प टू ऑथेंटिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सपोर्ट ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी लीगल रिकॉर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ अदर इंफॉर्मेशन फिर एम्प्लॉय आते हैं तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रजिस्टर एक्सेट्राइम एम्प्लॉय रजिस्टर एक्सेट्रा ये आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स बड़े काम के सैलरी चेक करने के लिए सैलरी चेक करने के लिए बोनस चेक करने के लिए कमीशन चेक करने के लिए फिर प्रोडक्शन शुरू होता है प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखो कितना इनपुट कंज्यूम किया कितना डब्ल्यू है कितने आपका प्रोडक्शन हुआ क्या आपका आउटपुट हुआ वो आप देखो ठीक है फिर बाहर के लोग बड़ी मदद करते ऑल बहुत मदद करते बाहर के लोग बाहर के लोग मतलब सर बाहर के आपके आप कंपनी आप से कौन कौन जुड़ा है बाहर वाले लोग सप्लायर जुड़े हुए हैं बाहर के लोग हैं कस्टमर जुड़े हुए हैं बाहर के लोग हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है बाहर के लोग हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, है बाहर के लोग हैं इंडस्ट्री है, के लोग हैं बाहर के लोग हैं यहां से बहुत जानकारी मिलती है ठीक है बैंक से जुड़े हैं बाहर के लोग है जो बाहर के लोग है ना ये आपको बहुत बार कंफर्म करेंगे सप्लायर बोलेगा हां इतना माल हमने बेचा है इतना माल हमने इनको भेजा है कस्टमर बोलेगा हाँ इतना माल खरीदा है परचेस चेक करने के लिए सप्लायर से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो काम का है सेल चेक करने के लिए कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन दी वो काम का है टैक्स चेक करने के लिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो दिख रहा है वो काम का है एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी काम की है ये सब अदर इंफॉर्मेशन में आएगा तो आपके लीगल रिकॉर्ड्स आपके पहले देखो वो भी सीक्वेंस में देखो इतना प्यारा फ्लो हर बहुत बारीकी से बनी है एक चीज बहुत बारीकी से बहुत मेहनत करके बनाई है भाई ठीक है तो आपके पहले लीगल रिकॉर्ड्स फिर आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फिर आपके प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स आपके कंफर्मेशन और एक इंटेलिजेंट ऑडिटर यूज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन तो देखो अगर आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है ऑडिट एविडेंस देखो ऑडिट एविडेंस पूछा ना तो ऑडिट एविडेंस पे तो लिखना ही और खुद होके खुद होके आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन भी कवर करना पड़ेगा तो आप पहले मीनिंग बताएंगे कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो ऑडिट एविडेंस है आप बताएंगे कि इसमें दो तरह के रिकॉर्ड्स या दो तरह की इंफॉर्मेशन आती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये फिर आप उतरेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो बनता है ठीक है पहले आप मीनिंग बताइए आप दो अप्रोचेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सप्लेन करिए अदर इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करिए और कॉम्बिनेशन चार बातों पर हिट करना है अपने को चार बातों पे हिट करना है मीनिंग पे हिट करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे हिट करना है अदर इंफॉर्मेशन पे हिट करना है कॉम्बिनेशन ठीक है तो Now, तो तो चार बातें जो बच्चे के दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट बैठ जाए ना कि भाई चार बातें मेरे को समझानी मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं ऑडिट कर चार बातें मेरे को समझानी ये दिमाग में फिर बैठ जाए और बच्चा अपनी लैंग्वेज में और आप जितना पढ़ पढ़ते जितना रीड करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज अपने आप बनती है यार पहले प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेमोरी टेक्निक है हमारे ऑडियो है फिर आपको अपनी लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड्स का तड़का लगाते हुए जाओ टेक्निकल वर्ड्स सारे चार्ट में दिए हुए अपने आप बहुत प्यारे मार्क्स उतरेंगे भर भर के मार्क्स आएंगे नाउ आइए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस की टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं ऑडिट एविडेंस को हम अलग-अलग अलग-अलग पैरामीटर्स पे अलग-अलग पैरामीटर्स अलग पे क्लासिफाई कर सकते हैं मतलब ऑडिट एविडेंस को क्लासिफाई करने के तरीके हैं ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये सिर्फ बेसिक्स ठीक है क्लियर करने के लिए है बेसिक्स क्लियर क्लियर करने के लिए है। पूछेंगे तो भी ट्रू फॉल्स पूछेंगे ट्रू फॉल्स करेक्ट इन कर, ट्रू फॉल्स पहले करेक्ट इन करेक्ट और आपके एमसीक्यूस पूछेंगे डिपेंडिंग ऑन नेचर सबूत का नेचर तीन प्रकार का हो सकता है ठीक है उसका नेचर तीन प्रकार के सबूत हो सकते हैं विजुअल एविडेंस अगर आपने फैक्ट्री को देखा विजुअल एविडेंस आपने लोगों से बातचीत की लोगों से बातचीत की ओरल एविडेंस आपने डॉक्यूमेंट्स को, देख, को देखा आपने रिकॉर्ड्स को देखा रजिस्टर को देखा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप जाकर देख रहे हो मशीनें हैं क्या इन्वेंट्री है क्या दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों से पूछताछ कर रहे हो कैसी चलती है कंपनी कितने डिस्पैच होते हैं दिन में कितने लोग आते हैं यहां पर पूछताछ कर रहे हो दैट इज इंक्वायरी ठीक है इंक्वायरी आप बैंक स्टेटमेंट देखते हो सही में कितने पैसे आए कितने पैसे गए ये आपका नेचर के हिसाब से तीन तरह के आपके एविडेंस हो गए फिर अब मैं बात करता हूं डिपेंडिंग ऑन इंपैक्ट एंड रिलायबिलिटी एविडेंस कितने रिलायबल है एविडेंस कितने रिलायबल है किस तरह के एविडेंस है ठीक है कितने इंपैक्टफुल एविडेंस है उसके हिसाब से उसको बांट सकते हैं सुएसिव एविडेंस और कॉन्क्लूसिव एविडेंस ये क्या होता है परसुएसिव एविडेंस और कॉन्क्लूसिव बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है मतलब किसी को समझाना किसी को समझाना किसी को कन्विंस करना परसुएसिव एविडेंस मतलब हाई क्वालिटी एविडेंस मतलब बहुत ही बहुत ही कन्विंसिंग एविडेंस उसको एविडेंस बोलते ऑडिट में हम जो मेजोरिटी एविडेंस हम इकट्ठा करते हैं वो एविडेंस होता है के तौर पे ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो जीआरएन आर बनाए गुड्स रिसीव नोट आप देखते हो जीआरएन है जीआरएन देखकर आप बोलते हो गुड्स आए होंगे कन्विंसिंग एविडेंस है परचेस इनवॉइस देखते हो गुड्स आए होंगे परसुएसिव एविडेंस है वो आप क्वालिटी चेक रिपोर्ट देखते हो गुड्स आए होंगे परसुएसिव एविडेंस है ठीक है ये सब परसुएसिव एविडेंस है कन्विंसिंग एविडेंस है हाई क्वालिटी एविडेंस है करेक्ट अब लेकिन अपने आपने खुद अपने आंखों से उनका सबसे बड़ा कंसाइनमेंट आते हुए देखा इंपोर्ट का कंसाइनमेंट आते हुए देखा आपके सामने गुड्स उतरे हैं आपके सामने गोडाउन में गए हैं गुड्स आपके सामने खुद आपने इन्वेंट्री को हाथ लगाकर महसूस किया है देखा है आपने यही सत्य है और कुछ नहीं है कन्विन ये एविडेंस कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कॉन्क्लूसिव एविडेंस है यही है सत्य और कुछ दूसरा सत्य नहीं है यह कॉन्क्लूसिव एविडेंस है ठीक है अब मैं दिन रात कंपनी में बैठा रहू ऐसा तो हो नहीं सकता करेक्ट इसलिए ऑडिट में जितना हमारे पास में टाइम का थोड़ा समय का प्रॉब्लम है हमको थोड़ा समय का प्रॉब्लम होता है हमको रिसोर्सेस uh, का प्रॉब्लम होता है हमको ठीक uh, है तो उन सब में हम कन्विंसिंग एविडेंस

इट मीन्स दैट वेयर वी डोंट हैव एनी डाउट कंक्लूसिव एविडेंस मतलब जहां पे कोई डाउट नहीं है इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रोडिक्टेड इट कैन नॉट बी प्रूव फॉल्स इट कैन नॉट बी प्रूवड रॉन्ग वो कंक्लूजिव एविडेंस है ठीक है बेटा यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अभी हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे दो तीन लेक्चर्स होंगे ठीक है दो तीन लेक्चर्स होंगे एंड उसके बाद में जो वी स्मार्ट का ऐप है उसमें लेक्चर्स होंगे बेटा ठीक है नाउ ऑडिटर शुड ट्राई टू गेट मोर एंड मोर परसुएसिव एविडेंस इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है मोर एंड मोर परसुएसिवर मोर एंड मोर मोर एंड मोर परसुएसिव मतलब मोर एंड मोर रिलायबल एविडेंस ज्यादा से ज्यादा रिलायल इसका मतलब ये नहीं कॉन्क्लूसिव को इग्नोर करो और परसुएसिव लेते जाओ ना 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 ठीक ना. है ना ना, ना 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 इसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप परसुएसिव एविडेंस लीजिए ज्यादा से ज्यादा आप परसुएसिव एविडेंस लीजिए ठीक है अब इसका मतलब क्या इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताता हूं अब नॉर्थ ईस्ट में हमारा पचास करोड़ का स्टॉक है हमने सिस्टम में स्टॉक देखा सिस्टम से लिस्ट निकली पचास करोड़ के स्टॉक की सिस्टम से लिस्ट निकली प्रिंट आउट आपके आपने खुद प्रिंट आउट निकाला सिस्टम से थोड़ा एविडेंस रिलायबल है है रिलायबल है रिलायबल है वो लिस्ट नॉर्थ ईस्ट के ब्रांच मैनेजर ने सिग्नेचर और स्टैंप के साथ लिस्ट भेजी आपका भरोसा और बढ़ गया आपका भरोसा और बढ़ गया चीजों पे, ठीक है वो और परसुएसिव हो गया इंटरनल ऑडिटर ने भी कंफर्म किया इंटरनल In ऑडिटर ने भी कंफर्म किया इतना ही था एविडेंस इतना ही स्टॉक है ऐसा ही स्टॉक है इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी के अंदर की चीजों को चेक कर रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो भी बोलता है इतना ही स्टॉक है आपका भरोसा और बढ़ गया सिस्टम का प्रिंटआउट परसुएसिव था साइन Sign सिग्नेचर के बाद उसकी रिलायबिलिटी और बढ़ गई उसका परसुएसिवनेस कन्विंसिंग नेचर और बढ़ गया और इंटरनल ऑडिटर जब बोला तो यह और बढ़ गया इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी ये बोलता है इतना ही स्टॉक था इतना ही स्टॉक था और बढ़ गया और ज्यादा परसुएसिव हो गया आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस ज्यादा से ज्यादा परसुए और भी ज्यादा से ज्यादा परसुएसिव परसुए एविडेंस लेना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर परसुएसिव मोर रिलायबल देन ओरल ऑडिट इज एज इन ऑडिट वी हैव लेस टाइम लेस टाइम एंड कॉस्ट कंस्टेंट मोर परसुएसिव एविडेंस इज प्रेफर्ड ज्यादा से ज्यादा परसुएसिव एविडेंस होना चाहिए इस मोर एंड मोर परसुएसिव कम तो परसुएसिव एविडेंस हम ज्यादा लेते कॉन्फ्यूजिक कम ले पाते तो नेचर को देखते हुए नेचर के देखते हुए तीन प्रकार के हो सकते हैं विजुअल ऑडिट एविडेंस बातचीत की ओरल ऑडिट एविडेंस रिकॉर्ड्स देखे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलायबिलिटी को देखते हुए वो क्या इंपैक्ट लाते हैं कितना उनका इंपैक्टफुल एविडेंस है कितना भरोसेमंद एविडेंस है उसके हिसाब से परसुएसिव एविडेंस होता है और एविडेंस होता है फिर डिपेंडिंग ऑन सोर्स डिपेंडिंग ऑन सोर्स डिपेंडिंग ऑन की ये एविडेंस डिपेंडिंग ऑन कि ये एविडेंस ठीक है कहां से आ रहा है फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग कंपनी के अंदर से आ रहा है कि कंपनी के बाहर से आ रहा है दो तरह के एविडेंस हो सकते हैं इंटरनल ऑडिट एविडेंस और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस इंटरनल ऑडिट एविडेंस और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ठीक है ओके नाउ ध्यान देंगे अब अगर मैं बात करूं कंपनी के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है कंपनी के कंपनी के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है करेक्ट कंपनी के अंदर बन रहा है तो वो इंटरनल ऑडिवेटेंस है विच ओरिजिनेट्स विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिपेयर किया जा रहा है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है उस एविडेंस को बोला जाएगा इंटरनल ऑडिट एविडेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल गुड्स आते हैं तो जी आर एन बनता है जी आर एन बनता है दैट इज इंटरनल ऑडिट एविडेंस क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है दैट इज अ इंटरनल ऑडिट एविडेंस ठीक है फिर जब गुड्स को बेचा जाता है तो सेल्स इनवॉइस बनता है सेल्स चलान बनता है इंटरनल ऑडिट एविडेंस जब गुड्स जाते हैं तो डिलीवरी मेमो होता है उसी को बोलते हैं फॉरवर्डिंग नोट सेल्स चलान फॉरवर्डिंग नोट डिलीवरी मेमो जब गुड डिस्पैच होते हैं तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें बताया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है उसकी क्वांटिटी होती है कीमत नहीं होती वो भी कंपनी के लोग बनाते हैं दैट इज ए इंटरनल तो गुड्स आते वक्त जब कंपनी के लोग जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो इंटरनल है जब बेचा जाता है तो डिलीवरी मेमो बनता है फॉरवर्डिंग इसी को बोलते हैं सेल्स एंड फॉरवर्डिंग नोट वो आपका एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस सॉरी इंटरनल ऑडिट एविडेंस है सेल्स इनवॉइस है इंटरनल ऑडिट एविडेंस है जब भी कोई खर्चा करना होता है तो कैश मेमो बनता है आप लोगों को डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स इशू करते हो आप लोगों को डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स इशू करते हो डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स आप इशू करते हो ठीक है डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स ये आप आप कस, आप कस्टमर को कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो ठीक है कि भाई बल्क तेरे को क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं पांच लाख रुपए देते तेरे पचास हजार रुपए माफ कर रहा हूं पचास हजार रुपए में माफ कर रहा हूं करेक्ट वो आपका आपने बनाया वो वो आपका इंटरनल एविडेंस है क्योंकि इंटरनल एविडेंस कंपनी के लोग बनाते हैं कंपनी के अंदर बनाते हैं उसको मैन्युपुलेट करना बहुत आसान है उसको मैन्युपुलेट करना बहुत आसान है उसको बदलना बहुत आसान है इसलिए ऑडिट में जब आप जॉब को इंटरनल एविडेंस मिले आप हमेशा ध्यान रखना कि मैन्युपुलेट हो सकता है इट कैन गेट मैन्युपलेटेड इसीलिए इट इज लेस रिलायबल वो लेस रिलायबल है ठीक है क्लाइंट और स्टाफ का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है उनके हिसाब से बनता है वो बड़े आसानी से उसको मैन्युपलेट कर सकते हैं हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा शक की निगाह से देखो ये गलत हो सकता है अलर्ट रहिए है हो सकता है तो जो डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर जिसका सोर्स है कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर जिसका सोर्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है इंटरनल से बाहर से आते है। बाहर से आता है परचेस इनवॉइस बाहर से आता है कोटेशन बाहर से आते हैं ठीक है परचेस वाला परचेस चलान और फॉरवर्डिंग नोट भेजता है वो गुड्स के साथ में कितनी क्वांटिटी उसका एक डॉक्यूमेंट आता है डिलीवरी मेमो आता है बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल एविडेंस बाहर से आने वाला परचेस चलान और फॉरवर्डिंग नोट डीएम डिलीवरी मेमो बाहर से बाहर से आने वाला सबसे पहले कोटेशन आया वो बाहर से आया डीएम आया बाहर से आया परचेस इनवाइस बाहर से आया ठीक है सप्लायर ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट भेजे बाहर से आया ये जो एविडेंस है इसको मैनिफेट करना मुश्किल है कभी भी थर्ड पार्टी कहीं कभी भी ठीक है कभी भी थर्ड पार्टी कभी भी कभी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन झूठी बातें नहीं करेगी क्योंकि उसमें खुद फंस सकती है इसको मैनपेट करना बहुत ऐसा नहीं इसको मैनपेट कर नहीं सकते आगे पढ़ेंगे इसके बारे में लेकिन इसको मैनपेट करना बहुत मुश्किल है इसीलिए कंपेरिटिवली इट इज मोर लेबल ये थर्ड पार्टी से टीपी मतलब थर्ड पार्टी ये थर्ड पार्टी से आता है विच आर नॉर्मली नॉट इंटरेस्टेड इन मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स इफ ऑल्टर है रीजन टू डाउट इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी बी केयरफुल अगर उसको डाउट है कि जो थर्ड पार्टी है कंपनी से मिली हुई है ये कंपनी की सब्सिडरी है डायरेक्टर की कंपनी है रिश्तेदारों की कंपनी है अगर जुड़ी हुई है तो केयरफुल रहना चाहिए वहां भी गड़बड़ हो सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो जो सबूत आपको कंपनी के अंदर से बन रहा है वो इंटरनॉइट एविडेंस है जो सबूत बाहर से आ रहा है वो एक्सटर्नोइट एविडेंस है ठीक है ऑलवेज ट्राई टू आप एक काम करिए आप लीजिए ना ढेर सारा सच्ची बात यह है इंटरनॉइड एविडेंस को ऑप्टेन करना बहुत आसान है हमारे नजरों के सामने होता है भर भर के होता है मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस एविडेंस ही होता है लेकिन एक काम करिए आप इंटरन के साथ साथ में एक्सटर्नल भी लेते जाइए तो इंटरनल एविडेंस कंफर्म होते जाएगा कि भाई परचेस के लिए मेरे पास में थोड़ा इंटरनल एविडेंस भी है थोड़ा एक्सटर्नल एविडेंस भी है मैच होते जा रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अश्योरेंस बढ़ता है जितना ज्यादा सबूत लोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो अश्योरेंस है आपका वो बढ़ेगा ठीक है इफ इफ एक्सटर्नल एविडेंस नॉट अवेलेबल कोराबरेट फ्रॉम वेरियस इंटरनल सर ये क्या होता है कोराबरेट आई है वो देखते हैं कोराबरेट क्या होता है देखिए कोराबरेटिव और कॉन्ट्रिडिक्टी एविडेंस क्या होता है जब ऑडिटर जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है ठीक है दोस्तों में मुझे पता है कि आपका पहला दिन है और पहले दिन ही मैं तीन घंटे का सेशन ले रहा हूँ वो भी बिना ब्रेक के ले रहा हूँ ठीक है लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हर सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास में टाइम कम है हमारे पास में टाइम कम है इसलिए हर लेक्चर को हमको अच्छे से यूज करना जरूरी है आइए तो जब भी हम कहीं पे सबूत इकट्ठा करते हैं सबसे पहले जो हमको सबूत मिलता है ठीक है उसको हम इनिशियल ऑडिट एविडेंस बोलते हैं उसको हम इनिशियल ऑडिट एविडेंस बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियल ऑडिट एविडेंस फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा परचेस था बहुत बड़ा परचेस पंद्रह करोड़ का परचेज था हमने उसका परचेस इनवाइस देखा वो सबसे पहला एविडेंस हमको मिला वो सबसे पहला एविडेंस हमको मिला वो जो सबसे पहला एविडेंस ठीक है जो सबसे पहला जो सबसे पहला एविडेंस हमको मिला वो इनिशियल ऑडिट एविडेंस है इसके बाद जो हमको एविडेंस मिलेगा इसी चीज को लेकर उसको एडिशनल एविडेंस फॉर एग्जाम्पल फिर हमको इसका जी आर एन मिला जी आर एन मिला इसका परचेस इनवॉइस से मैच कर रहा है जो हमको पहले एविडेंस मिलता है वो एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिलता है इनिशियल ऑडिट एविडेंस होता है और जो उसके बाद मिलता है वो एडिशनल ऑडिट एविडेंस होता है अगर ये मैच हो जाए अगर इनिशियल ऑडिट एविडेंस इनिशियल ऑडिट एविडेंस और जो बाद में मिल रहा है मैच हो जाए तो उसको बोलते कोरेबोरेटिव खुशी की बात है जब जब आपको कोरेबोरेटिव एविडेंस मिलता है कोरेबोरेट होना मतलब पहले की चीज से मैच हो जाना तो बहुत खुशी की बात है आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है तिगुना हो जाता है आप बहुत खुश हो जाते हो यार वापस मैच हो गया मैच हो गई चीजें

उसको पहले इनिशियल ऑडिट एविडेंस मिलता है फिर उसके बाद उसको इनिशियल ऑडिट एविडेंस मिलता है एविडेंस ऑप्टेन आफ्टर दिस इज कॉल्ड एडिशनल ऑडिट एविडेंस इफ एडिशनल ऑडिट एविडेंस सपोर्ट्स अग्रीज मैचेस विद द इनिशियल ऑडिट एविडेंस इफ आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड टिव ऑडिट एविडेंस उसको कोरैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस बोलते हैं अगर मैच ना करे तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस बोला जाता है देखिए ये टेक्स्ट है उसमें एग्जाम्पल है यही बात आपके चार्ट में सब कुछ कवर्ड है बहुत अच्छे से कवर्ड है बहुत प्यारी तरीके से कवर्ड है एवरी डैम थिंग इज कवर्ड एवरी स्मॉल थिंग इज कवर एवरी डैम थिंग इज कवर गाइज इसको याद रखना आसान है नेचर के हिसाब से तीन है आपके इंपैक्ट के हिसाब से दो है परसुएसिव और कॉन्क्लूजिव सोर्स के हिसाब से दो है इंटरनल एक्सटर्नल चीजें अग्री हो रही कि नहीं हो रही चीजें अग्री हो रही कि नहीं हो रही इसके हिसाब से आपके दो है या तो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस या तो ऑडिट एविडेंस या तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस ठीक है नाउ ठीक है अब आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज फर एस ए फाइव हंड्रेड सर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है सुन लीजिए बड़ा सिंपल है सभी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सारे के सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते ऑडिटर के लिए मतलब टारगेट सेट करते कि तेरा ये टारगेट है तेरा ये टारगेट है तेरे को ये अचीव करना है यू विल हैव टू अचीव दिस यू विल हैव टू अचीव दिस उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ठीक है ना हर ऐसे में ये होता है इंस्टीट्यूट कभी कभी उसको अपने मॉड्यूल में लेती है कभी नहीं लेती है लो तो हम ले लेंगे नहीं लो तो हम भी नहीं लेंगे ठीक है और मैं आपको बता दू पूरा ऐसे पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव समझ में आते मेजोरिटी टाइम्स ठीक है मेजोरिटी टाइम्स लेकिन यहां पे हमको ऐसी समझ में आ जाएंगे ऐसी समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये का टारगेट है, है टू कलेक्ट सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सफिशियंट मतलब अच्छी क्वांटिटी में अच्छी मात्रा में ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर अच्छी मात्रा में और अप्रोप्रिएट मतलब अच्छी क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर गुड क्वालिटी ऑडिट एविडेंस ठीक है जो रिलायबल हो काम का हो काम का एविडेंस मतलब रेलेवेंट काम की चीजें मतलब रेलेवेंट चीजें देंगे उसका मतलब और आगे हम लोग और देंगे उसका मतलब तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि भाई तू ऑप्टेन कर सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इकट्ठा कर टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन फाइनेंस इकट्ठा कर ताकि उसकी मदद से छोटे-छोटे जो जो उसको लेकर तू कंक्लूजन ड्रॉ कर सके उसको लेकर कंक्लूजन ड्रॉ कर सके एक बार तू उनको लेकर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा तो उसके बाद में उसके बेसिस में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन बना पाएगा तो ऑडिटर तेरा टारगेट है कि तू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करे ताकि उसके बेसिस पे तू फाइनेंशियल आइटम्स पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके कंक्लूजन ड्रॉ कर सके यू शुड बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन और फिर उसके बेस पे यू शुड बी एबल टू फ्रेम ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिंपल और इसके लिए तू ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीज बहुत सिंपल वर्ड है कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है जो भी ऑडिट का काम करते ऑडिट प्रोसीजर और इसके लिए तेरी जिम्मेदारी है डिजाइन करना, करना।, करना मतलब डिसाइड करना डिजाइन करना मतलब डिसाइड करना इसके लिए तू डिजाइन करे तय करे और परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर्स तो बेटा तेरा ऑब्जेक्टिव है अच्छा सबूत इकट्ठा करे और सबूत इकट्ठा करने के लिए तू अच्छी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करके परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर्स कई प्रकार के होते हैं, आगे आने वाला है तो भाई दो बातें याद होनी चाहिए भाई ऑब्जेक्टिव है एस ए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि उसकी मत से कंक्लूजन ओपिनियन बने और दूसरा इसके लिए तू बहुत बढ़िया डिजाइन करे परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर्स को दो बातें अगर आपको याद रह गई, दो बातें आपको याद रहेगी ना भाई तो बात बन जाएगी तो बात बन जाएगी ठीक है आइए नाउ नेक्स्ट इज अब अगला है कि थोड़ा सा आप और बताइए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या रोल है आप बताइए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में और बताइए तो आप भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो हम पढ़कर आए ना भाई अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान ऑल द डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस दे अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर वेरी इजिली अवेलेबल मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइलों में लबालब क्या भरा है तो बोले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही भरे पड़े हैं फाइलों में सबसे प्यारा सोर्स ऑफ एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही बोले तो भाई आप रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग तो रिकॉर्ड बड़े प्यारी चीज है बहुत बड़े आसानी से सब मिल जाता है यार सामने के सामने सब लबालब भरा हुआ है सब ले लो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब बनाओ बताओ इट इज वेरी इजी टू ऑपटेन ये बात आप बताइए कि बड़ा आसान है इस एविडेंस इस बड़ा आसान है इस एविडेंस को ऑप्टेन करना ठीक है अच्छे से मिल भी जाता है डेफिनेटली इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसलिए कंपेर अनरिलायबल नहीं बोल सकते कंपेरिटिवली लेस रिलायबल है इट इज कंपेरिटिवली लेस रिलायबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिविडेंस, उसके मुकाबले थोड़ा कम रिलाना है अब इनका कहना है कि अकाउंटिंग आपके पास आए तो आपने उसको कैसे कैसे एग्जामिन करना चाहिए हाउ यू शुड एग्जामिन कैसे कैसे उसको एग्जामिन करना चाहिए तो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है सबसे पहले क्या करना चाहिए आपने परफॉर्मेंस करना चाहिए शुड गो फॉर परफॉर्मेंस मतलब जो काम जनरली कंपनी के लोग कर वर्क विच इज वर्क एंड प्रोसीजर्स विच आर जनरली डन बाय द द्लॉइज ऑफ द क्लाइंट वो काम तुम खुद करके देखो उसको हम बोलते परफॉर्मेंस मतलब क्या सर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे आप आप खुद खुद सिस्टम में बैठकर अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करके आप लेजर का प्रिंटआउट खुद निकालो अकाउंट का प्रिंटआउट खुद निकालो लेजर का प्रिंटआउट खुद निकालो सेल्स रिपोर्ट खुद जनरेट करो परचेस रिपोर्ट खुद जनरेट करो अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करना चाहते हो एग्जामिन करना चाहते हो यूज करना चाहते हो रीपरफॉर्मेंस करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप खुद जनरेट करके देखो ट्रायल बैलेंस खुद जनरेट करो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन खुद जनरेट करो ठीक है आप खुद जनरेट करके देखो ठीक है देखो क्या पढ़ रहे अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज अ वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसका मतलब बताइए देखिए जितना लिखा है ना उससे ज्यादा लिख सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मार्क्स मिलेंगे आपको ठीक है लिखना कैसे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बड़ा प्यारा तरीका हम लोग देखेंगे लिखने का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड ऑडिट एविडेंस ऑडिटर मेजरली इवेलुएट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस पहले आपने रिपरफॉर्मेंस करना चाहिए हमेशा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप रिपरफॉर्म करके खुद होके वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जनरेट करने की कोशिश करें उसको जनरेट करें उसका प्रिंट आउट उसका एक्सट्रैक्ट खुद निकालें फिर वो होने के बाद में आप उसको रिकनसाइल करें हमेशा चेक करें कि जो आप जो, हमेशा चेक कर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कंप्लीट है ना ठीक है वो कंप्लीट है ना वो कंप्लीट है ना वो एक्यूरेट है ना फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की रिपोर्ट जनरेट की मंथली सेल्स की रिपोर्ट और डिस्पैच रिपोर्ट दोनों की क्वांटिटी मैच होनी चाहिए सेल्स की रिपोर्ट की क्वांटिटी

ये और कौन से कौन से रिपोर्ट से मैच हो सकता है रिकनसाइल करो फिर उसको एनालाइज करो पिछले महीनों से कंपेयर करो पिछले सालों से कंपेयर करो कोई बहुत अनयूजल इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं है अनयूजल इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं है आप ये देखो देखो अनयूजअल इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं है मार्केट से कंपेयर करो मार्केट से आप कंपेयर करिए मार्केट में मार्केट में इस क्वार्टर इस क्वार्टर तीस तीस परसेंट से ग्रो है हमारा भी तीस परसेंट से ग्रो है सही लग रहा है मतलब एनालाइज करिए रिव्यू करिए एनालाइज करना मतलब स्टडी करना कंपेरिजन करना नॉर्मल है क्या देखना ठीक है तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के गुणगान करिए पहले आप उसका डेफिनेशन और कनेक्टेड बातें बोलिए आपके तीन एग्जामिनेशन तीन एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में बात करिए तीन तरीके होंगे एग्जामिन करने के उसके बारे में आप बात करिए फिर इफ द अबव एविडेंस आर इंटरनली कंसिस्टेंट स आर इंटरनली कंसिस्टेंट अगर ये सब आपने रिपरफॉर्म कर लिया बहुत बढ़िया आपने रिकनसाइल कर लिया बहुत बढ़िया देखो ये सीक्वेंस में बोल रहा हूं रीपरफॉर्म कर फिर रिकनसाइल कर पहले खुद जनरेट कर फिर मैच कर फिर एनालाइज कर तो कंसिस्टेंट है तो हमारा हमको कॉन्फिडेंस मिलता है वी गेट अश्योरेंस एंड अग्री विथ फाइन वी गेट अश्योरेंस फिर एक काम करो लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे भरोसा वही बात पहले भी थी सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं इंडिपेंडेंट सोर्सेस कस्टमर भी बोल रहा है क्या इतना सेल था कस्टमर से कंफर्मेशन थर्ड पार्टी को बोलते कि आप मुझे बताओ सही में इतना सेल था क्या उसको थर्ड पार्टी कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लो ठीक है एनालिस्ट क्या बोल रहे कंपनी के सेल्स के बारे में उनकी रिपोर्ट लो कॉम्प्यूटर क्या बोल रहे आप हमेशा थर्ड पार्टी से मैच करने की कोशिश करो जितना आप थर्ड पार्टी से मैच करते जाओगे जितना थर्ड पार्टी से मैच करते जाओगे उतना बहुत प्यारा उतना बहुत अच्छा ठीक है फाइनली इंपॉर्टेंट तो फिर आपने एक्सटर्नल ठीक है एक्सटर्नल एविडेंस के बारे में भी आपने बात कर ली और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक ही चीज को जितने अलग 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 सोर्स ऑफ एविडेंस से मैच करोगे जितने अलग अलग नेचर से मैच करोगे उतना आपका भरोसा बढ़ जाएगा भाई साहब आप महीने का सेल चेक कर रहे हो आपने रिपरफॉर्मेंस में वही रिपोर्ट बनी है आपने इसको मैच किया चार जगह से डिस्पैच रिपोर्ट से जीएसटी रिपोर्ट से आपने मैच किया सेम है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एश्योरेंस बढ़ रहा है आपने पिछले महीनों से कंपेयर किया सेम है आपने कस्टमर से पूछा सेम है सेम चीज है कस्टमर भी सेम बोल रहा है सेम है आपने कॉम्प्यूटर का भी इतना ही सेल बढ़ा है इस इंडस्ट्री में अभी इतना ही सेल चल रहा है सेम है एनालिस्ट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो कंपनी की रिसर्च करते हो, है, बोलते हैं हाँ, हमारे हिसाब से भी इतना ही होना चाहिए था सेम है आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखे सेम है आपने लोगों से क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग की क्यों बड़ा कैसे बड़ा उन्होंने जवाब दिया सेम है डॉक्यूमेंट मैच हो रहा है लोग एक्सप्लेनेशन मैच हो रहा है आपने अपने आंखों से डिस्पैचेस होते हुए हो करके देखा ठीक है जितने ज्यादा जितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जितने ज्यादा अलग अलग सोर्स होंगे उतना अच्छा लेट्स फ्रीज गाइज ध्यान दीजिए तो अगर आपको शॉर्ट नोट आया आप डेफिनेशन आप डेफिनेशन बताइए बताइए मेजर सोर्स यही है आप ये बोलिए कि इसको एग्जामिन करने के तीन तरीके एग्जामिन करने के तीन तरीके हैं करेक्ट आप एक्सटर्नल एविडेंसेस को लीजिए आप एक्सटर्नल एविडेंसेस एक्सटर्नल एविडेंस से मैच करिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जितना एक ही चीज को अलग अलग सोर्सेस के एविडेंस से मैच करोगे अलग अलग नेचर के एविडेंस से मैच करोगे उतनी चीजें मैच होती चली जाएगी उतनी चीजें मैच होती चली जाएगी ठीक है आई होप ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है ठीक है बच्चों देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम लोग मुद्दों पे ज्यादा बात करते हैं मुद्दों पे ज्यादा बात करते हैं कॉन्सेप्ट ज्यादा बात करते हैं मेमोराइजेशन पे ज्यादा बात करते हैं ठीक है हम अलग से लिख रहे हैं ये कम होता है हम अलग से लिखने की बात कर रहे हैं ये कम होता है लेकिन मैं आपको ए प्रैक्टिस लिखवा कराऊंगा क्यू एन ए प्रैक्टिस आपको लिखवा कराऊंगा क्यू एंड ए प्रैक्टिस ठीक है मैं लेकिन जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो आप चलिए दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगी जबरदस्त बहुत प्यारी चीजें आप लिखोगे जानदार शानदार चीजें आप लिखोगे ठीक है नाउ तो मुझे लगता है मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है एज आई होप यू लव द सेशन इट वॉज अ नॉन स्टॉप सेशन ऑलमोस्ट थ्री आवर्स ऑलमोस्ट तीन घंटे का ये बड़ा प्यारा बहुत ही नॉन स्टॉप जोरदार सेशन था जिसमें हमने बेस क्रिएट किया हमने बेस क्रिएट किया चीजों का और बैकग्राउंड बनाया और चीजों का बेस क्रिएट करके हम यहां तक पहुंचे ठीक है चलिए बच्चों यहां पर रुकते हैं बाय बाय शबा है गुड नाइट लव यू ऑल आप मैं आप लोगों को एक बोल दूं कि मैं आप लोगों को आ, एक बोल दूं कि ये मैंने जो अभी लिंक शेयर की थी नोट्स की वो लिंक आप जरूर फॉलो करें मैं आपको एक टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं रुक जाइए मैं टेलीग्राम की आपको एक लिंक दे रहा हूं ये टेलीग्राम की लिंक मैंने दी है मैं कमेंट्स में भी इसको छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा इसको आप ज्वाइन कर लें आपको जो ऑडियो रिविजन मिलने वाली है ऑडियो ठीक है यहां पर एक एग्जाम ईओ बैच ईओ बैच करके रहेगा वहां पर आपको ऑडियो रिविजन्स आपको मिलेंगे और सारी कनेक्टेड चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी बाय बाय एवरीवन बाय बाय बाय